हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बायो डीटीएस का फोर्थ एपिसोड स्टडी कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक है प्लांट डाइवर्सिटी। एज यूजुअल माई सेल्फ जीएस चौहान, और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं प्लांट डाइवर्सिटी का, ये बायोकेम डीटीएस। ओके, नो डाउट ये काफी बच्चों की एक डिमांड भी होती है और उनकी एक इंतज़ार भी होता है इस चीज़ को लेकर कि सीएलसी की बायोकेम डीटीएस हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। नो डाउट इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं, न्यू फ्रेमिंग मोस्टली क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के सराउंडिंग में जो कंसेप्चुअल होते हैं उन पर भी बात करी गई है। इसमें कंपेरेटिव जो क्वेश्चंस हैं उनको फ्रेम किया गया है, न्यू ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग। आपको जो नीट में क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पर कि टेबल के बेसिस पर या कॉलम के बेसिस पर कंपैरिजन के मोस्टली क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके लिए फ्रेम किए गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी मददगार होगी अगर आप इसको अच्छे से समझते हो, पढ़ते हो, एनालिसिस करते हो। नाउ स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। ओबियसली हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी एक साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है और ग्रीन एल्गी एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ पर क्या बेसिक डिफरेंस होगा? तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए ओबियसली दोनों में प्रेजेंस होता है। यहाँ अच्छी बात यह है कि ग्रीन एल्गी में भी आपके क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। आपके साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस होती है, तो ये डिफरेंस नहीं हो सकता। ये एक इसमें सिमिलर कैरेक्टर हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज इन सेल वॉल, ये प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज इन सेल वॉल दोनों के अंदर प्रेजेंस नहीं होगा। याद रहे कि प्रोकैरियोट के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक शर्त होती है कि द लैक ऑफ सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल, इनमें सेलुलोज युक्त सेल वॉल कभी भी नहीं पाई जाती है। लेकिन आपके जो ग्रीन एल्गी है इसमें सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल होना इसका यूनिक कैरेक्टर माना जाता है। तो यही वो डिफरेंस है जिसके बेसिस पर हम इसे आंसर में कंसीडर करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बोथ आर ऑटोट्रॉफिक। प्रेजेंस ऑफ एकाइनेट, ये एक अच्छी चीज है जहां पर कि हम साइनोबैक्टीरिया में देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया में एक रिजिड हार्ड मल्टीलेयर्ड जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक्चुअली एकाइनेट कहलाता है। ये थोड़ा सा समझने लायक चीज है। और इसी तरीके से आपके चाहे यूलोथ्रिक्स हो चाहे आपका स्पायरोगायरा हो, इनमें भी हमें एकाइनेट देखने को मिल जाते हैं। एनी वन सेल में कन्वर्ट इन ए हार्ड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड द एकाइनेट। तो इसे हम नॉस्टॉक कहेंगे। दिस इज नॉस्टॉक एंड दिस इज यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स इज ए ग्रीन एल्गी एंड नॉस्टॉक इज ए साइनोबैक्टीरिया, बोथ हैव एकाइनेट। तो एकाइनेट के बेसिस पर भी इन्हें हम डिफरेंस नहीं कर सकते। तो राइट आंसर जो होगा हमारे लिए वो एक्चुअली सेकेंड आंसर है, प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज इन सेल वॉल। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैक्टीरिया मे नॉट क्लासिफाई ऑन द फॉलोइंग बेसिस, ये बिल्कुल एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी ने बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए कायदे से फोर बेसिस लिए हैं। पहला बेस लिया है सेफ ऑफ बैक्टीरिया, जिसके बेसिस पर उसे फोर टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। दूसरा बेस लिया गया है प्रेजेंस ऑफ फ्लेजिला, फ्लेजिला के बेसिस पर भी बैक्टीरिया डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे पेरिट्राइकस है, ए ट्राइकस है, लोफोट्राइकस है, सेफेलोट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है। ये कहीं ना कहीं ये प्रोकैरियोट वाले हिस्से में जहाँ पर कि साइटोलॉजी में ये एक्सप्लेनेशन की गई है वहाँ एक लाइन लिखी गई है खासतौर से कि बैक्टीरिया में क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेजिला। तो ओबियसली हम फ्लेजिला को भी कंसिडर करेंगे।
ग्राम सस्टेनिंग आप जानते हो कि इसमें भी आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बेसिस पर बैक्टीरिया को दो भागों में डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब फिर आती है प्रेजेंस ऑफ जीनोम, मतलब जीनोम की उपस्थिति। तो किसके बेसिस पर आप वर्गीकृत नहीं कर सकते हो, तो जीनोम तो सभी प्रोकैरियोट का एक जैसा होगा, जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। जैसे हर एक प्रोकैरियोट का जो जीनोम है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएस डीएनए के फॉर्म में ये प्रेजेंस होता है। तो ऑब्वियसली चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे माइक्रोप्लाज्मा हो, आप नॉर्मली जीनोम उसमें लगभग सिमिलर पाते हो। ये बात अलग है कि माइकोप्लाज्मा में सर्कुलर फॉर्म नहीं होता, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सभी में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए आंसर यही बनेगा कि आप जीनोम के बेसिस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई नहीं कर सकते हो। न्यू फ्रेमिंग क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट मिसमैच्ड पेयर। इसमें अच्छा है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इसमें फॉलो की गई है। किसमें मिसमैचिंग हो रही है? प्रियोन, लैक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, लैक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल। प्रियोन प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये राइट मैचिंग है। वायरस, लेस मॉलिक्यूलर वेट देन वायरस, यस, वायरस से इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, बिल्कुल सही है। प्रियोन सीजेडी, क्रिट्जफील्ड जैकब डिसीज, बिल्कुल एनसीईआरटी ने इस टर्म को यूज किया है ये। अब वायरॉइड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, वायरॉइड द्विरज्जुकीय आरएनए, तो ऑब्वियसली आपके लिए यहां ध्यान देने वाली बात है कि वायरॉइड में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंस होता है, तो ये कहीं ना कहीं मिसमैचिंग हो रही है, और उस वजह से हमारे लिए यही राइट आंसर भी जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गिवन वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन पर ध्यान देने की जरूरत है आपको, क्योंकि यहाँ जो क्यू भी बैक्टीरियोफाज लिखा गया है, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म है, क्यू बीटा बैक्टीरियोफाज। ये 12th की एनसीईआरटी में दिया गया है, जहाँ आरएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया गया। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन कॉनरेट स्टैनले इवानोव्स्की, ये तीन वो साइंटिस्ट थे जो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आरएनए इज ऑल्सो ए जेनेटिक मटीरियल, नॉट ओनली डीएनए इंक्लूड एज ए जेनेटिक मटीरियल। तभी डीएनए वर्सेस आरएनए की स्टडी स्टार्ट होती है। तो उन्होंने कहा था कि क्यू बीटा बैक्टीरियोफाज, टीएमबी, आप एचआईवी, इन सब के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एज ए जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंस होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करी जा रही है, तो यहां पर ये मेरे लिए संभावित क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर तो आजकल बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है। तो ऑब्वियसली कोरोना में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, एचआईवी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, टीएमबी में आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, यहाँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो 5x174 आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है कि ए बी सी डी ई, पांच जो वायरस है उसमें से चार वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डी आर एन ए की प्रेजेंस है एज ए जेनेटिक मटीरियल, तो ये सेकेंड आंसर हमारे लिए बन जाता है। इसमें अच्छी इंफॉर्मेशन है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये आपके दो कॉलम दिए गए हैं ऐसे क्वेश्चन में, फिर कह रहा हूँ एनसीईआरटी नीट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नो डाउट एनसीईआरटी बेस्ड स्ट्रक्चर है। तो कॉलम फर्स्ट, साल्विनिया इक्विसिटिव ऑफियोग्लोसम, साल्विनिया आपको पता होना चाहिए कि ये फर्न है, तो ऑब्वियसली टेरॉप्सिडा में इसे इंक्लूड किया जाएगा, तो ए में आपका सेकेंड आ रहा है, तो आपके आंसर आपके फर्स्ट और सेकेंड में होने की संभावना है। यहाँ पर अगर दो चीजें भी आपके सामने क्लरिफाई हो जाती हैं, तो आप इसमें बड़े आराम से आंसर लगा सकते हो। ठीक है, इक्विसिटम आता है आपके लिए स्पिनोप्सिडा में, तो आपके बी में जा रहा है फोर्थ, तो संभावना अभी भी इन दोनों की बनी हुई है। अब ऑफियोग्लोसम, ऑब्वियसली 12th की एनसीईआरटी में जहां क्रोमोसोम का नंबर डिस्कस है वहां पर बात करी गई है, तो
ओफियोग्लोसम फिर से टेरोप्सिडा में चला जाएगा, मतलब सेकंड, तो हमारे लिए फर्स्ट आंसर बन जाता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, फिर से कॉलम का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया फंजाई की बात की जा रही है, जगत पादप जगत कवक, इनमें क्या क्या कैरेक्टर्स से उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है। किंगडम प्लांटी, सम आर हेटरोड्रॉप्स, याद रहे ये बड़ा अच्छा है, आप एनसीईआरटी में जहाँ किंगडम प्लांटी के फीचर्स दिए गए हैं उसे जरा स्टडी करना, तो वहाँ कहा गया है कि सम प्लांट्स आर हेटरोड्रॉप्स, जैसे कि इंसेक्टिवोरस को भी हम कहीं ना कहीं हेटरोड्रॉप्स में एक सेंस में कंसिडर करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ पैरासाइट की भी बात होती है, याद रखना एनसीईआरटी ने कुछ पैरासाइट की भी बात करी है, जैसे स्ट्रिएगा, जैसे कस्कुटा, जैसे ओरोबेंकी, इन्हें रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लास्ट सेगमेंट में दिखाया गया है, तो ओब्वियसली ये कुछ प्लांट एंजियोस्पर्म में ऐसे होते हैं जहां पर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। तो आपके लिए किंगडम प्लांटी एक्चुअली सम आर हेटरोट्रॉप्स, काइटिन सेल वॉल, तो काइटिन सेल वॉल फंजाई में प्रेजेंस होगी, ऑल आर हेटरोट्रॉप्स, ये कोई भी फंजाई ऑटोट्रॉफिक फॉर्म में आपको नजर नहीं आएगी बिकॉज द लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये बात हो गई। ऑयल एंड ग्लाइकोजन, ये दो किंगडम के मेंबर्स में रिजर्व होता है, एक तो आपका है फंजाई प्लस दूसरा है आपके लिए किंगडम एनिमेलिया, जिसमें ऑयल एंड ग्लाइकोजन हो सकते हैं। सेलुलोज इन सेल वॉल, तो ये आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा किंगडम प्लांटी से, तो हम देख सकते हैं कि ए के अंदर वन एंड फिफ्थ हमें तीन जगह मिल रहा है, नो डाउट, लेकिन आपको सेकंड थर्ड फोर्थ ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिलता है। बिल्कुल एनसीईआरटी जिस तरीके से फ्रेम करती है आपके लिए क्वेश्चन, कोशिश वैसी ही की गई है कि आप एज इट इज उसी माइंडसेट के साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंस इन मेंबर ऑफ फॉलोइंग किंगडम, किन किंगडम के मेंबर्स में क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। यहाँ भी क्वेश्चन छोटा नजर आ रहा है, लेकिन आप यहाँ कंसेप्चुअल चीजें समझें। कई बच्चे मोनेरा में कंफ्यूज होते हैं कि मोनेरा में क्लोरोप्लास्ट होता है, मोनेरा इसे प्रोकैरियोटिक सेल, द लैक ऑफ मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल मींस द लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो मोनेरा में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। प्रोटिस्टा, जैसे कि आपके डायनोफ्लेजेलेट्स हैं, डायटम्स हैं, यूग्लिनॉइड्स हैं, उनमें खास तौर से क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस है। इसके बाद में किंगडम प्लांटी में है, तो अपना राइट आंसर फोर्थ बन जाता है, ठीक है, तो प्रोटिस्टा एंड प्लांटी, सेकेंड एंड थर्ड दोनों आंसर बन जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, यूग्लिना रिप्रेजेंट वेरिएबिलिटी विथ डायटम्स, डायटम्स के रेस्पेक्ट में यूग्लिना किस तरीके से वेरिएबिलिटी शो करता है, ध्यान देने वाली बात है, न्यू फ्रेमिंग क्वेश्चन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइट, बोथ आर ऑटोट्रॉफिक, बोथ प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करेंगे। मूवमेंट इन एक्वाटिक मीडियम, ये इनका डिफरेंस होगा, कैसे डिफरेंस होगा, क्योंकि डायटम्स होते हैं वो पैसिवली मूवमेंट करते हैं थ्रू द वाटर करेंट, व्हाइल द यूग्लिना रिप्रेजेंट देयर मूवमेंट बाय द फ्लैजेलम, तो यहां पर यही हमारे लिए राइट आंसर बनने की संभावना है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो डायटम और यूग्लिना बोथ आर मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा मींस रिप्रेजेंट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूकेरियोट्स। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी आपके लिए बाइनरी फिजन शो करता है डायटम, और यूग्लिना में भी बाइनरी फिजन होता है जो खास तौर से हमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे यूग्लिना पर बात की जाए तो यूग्लिना कुछ इस तरीके से बाइनरी फिजन शो करता है, यहाँ से इसमें इस डिवीजन होता है, ठीक है, तो ये यूग्लिना बाइनरी लॉन्गिट्यूडनल, और डायटम्स में भी आपके इस तरीके के डायटम होते हैं, नो डाउट, ठीक है, ऐसे एपिथीका है ये, एपिथीका एंड दिस इज हाइपोथीका,
इसमें क्या होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अपने लिए अलग अलग से थीटा को प्रिपेयर कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, ये डायटम की सेल है और ये युग्लीना की सेल है। तो आप इसके बेसिस पर नहीं रख सकते हो, लेकिन हाँ इसके बेसिस पर इनमें वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर फीचर बिटवीन किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई के अंदर क्या सिमिलरिटी है? तो आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि यहाँ हम देखते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कि ये मोनेरा है, ये प्रोटिस्टा है, यहाँ प्लांटी है, यहाँ फंजाई है और एनिमेलिया। तो यहाँ आपका फंजाई है, यहाँ एनिमेलिया, यहाँ प्लांटी। आखिर फंजाई को बीच में क्यों रखा जाता है? तो उसकी वजह है क्योंकि फंजाई में सेल वॉल है, तो प्लांटी से रिप्रेजेंट सिमिलरिटी शो करेगी। इसमें जो रिजर्व फूड होता है वो फूड मटेरियल ऑयल एंड ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर जो बात होती है कि इसमें ये आपका फंजाई और ये प्लांटी, तो ऑब्वियसली आप देखते हो कि रिजर्व फूड जो होता है ऑयल एंड ग्लाइकोजन के फॉर्म में फंजाई में भी होता है और एनिमेलिया में भी होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, तो ऑब्वियसली एनिमल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो इसको आप कंसिडर नहीं करोगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आप नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि बोथ रिप्रेजेंट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको सिमिलर फीचर की बात करनी है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों में सेम है, ऑयल एंड ग्लाइकोजन दोनों में सेम है, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड आपकी सिमिलरिटीज बन जाती हैं। मीन्स इसका फोर्थ राइट आंसर आपके लिए बन जाएगा। दोनों पोषण की विधि है क्योंकि आपको समान लक्षण पूछे गए हैं, इसलिए फिर से याद रखो ग्लाइकोजन एंड ऑयल ये इनका रिजर्व फूड होगा और पोषण की विधि नॉर्मली हेटरोट्रॉप्स होती है, तो उसके बेसिस पर ये आपका राइट आंसर। ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में अलग अलग जगहों पर फ्रेम किया जाता है। हु प्रपोज्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन? अरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन है, जिन्होंने प्लांट्स को उनकी लेंथ के बेसिस पर हर्ब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज में डिफ्रेंशिएट किया था, एक्चुअली ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंसिडर किया जाता है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। बेंटम उगर का क्लासिफिकेशन नेचुरल कंसिडर किया जाता है, लीनियस का क्लासिफिकेशन भी आर्टिफिशियल माना जाता है। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने दिया है, जहां पर कि डिफरेंट फाइव किंगडम के जरिए नेचर के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को इन्होंने फाइव ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिमाग में रखना चाहिए। सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर सिलेजिनिला एंड पाइनस। पाइनस और सिलेजिनिला के लिए आपको रॉन्ग यानी कि गलत कथन का चयन करना है। बोथ रिप्रेजेंट हाइड्रोस्पोरी, सिलेजिनिला में भी हाइड्रोस्पोरी है, पाइनस में भी हाइड्रोस्पोरी है, ये इनके लिए डिसिमिलर नहीं है, ये बिल्कुल सही कथन है। बोथ रिप्रेजेंट डेवलपमेंट ऑफ यंग एम्ब्रियो ऑन फीमेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही है कि आपके सिलेजिनिला में भी फीमेल गैमेटोफाइट है। सिलेजिनिला ट्रोडोफाइट वाले हिस्से में अगर अपन जाके देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि सीड हैबिट में लिखा है कि देयर जायगोट डेवलप इन यंग एम्ब्रियो ऑन फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा, ये जो जायगोट का एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट होता है वो हायर प्लांट यानी कि सीड बियरिंग प्लांट्स जो होते हैं, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, उन सब के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट पर ही होता है। ये प्रोसेस सबसे पहले हमें सिलेजिनिला में नजर आती है, इसीलिए हम सिलेजिनिला में सीड हैबिट यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग जो प्लांट का करेक्टर है वैसा करेक्टर हमें सिलेजिनिला में फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए सही हो जाता है। बोथ हैव एंथ्रिडियम एज मेल सेक्स ऑर्गेन, यहां गलत हो जाएगा क्योंकि पाइनस में, ये पाइनस जो प्लांट होता है इसमें एंथ्रिडियम की जगह माइक्रो स्पोरेंजियम बनते हैं और इन्हीं के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, यहीं पर माइक्रो स्पोर बनते हैं। याद करो विंग्ड पोलन ग्रेन इसमें पाए जाते हैं,
लेकिन आपका जो सिलेजी नीला है उसमें आपको एंथ्रिडियम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिसिमिलरिटीज को शो कर रहा है। बोथ हैव ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स। ऑब्वियसली आपके ट्रिडोफाइट और जो जिम्नोस्पर्म है वो कहीं ना कहीं स्पोरोफाइट है। दे हैव ट्रू लीव्स रूट एंड स्टेम, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी वेरिएबिलिटी नहीं है या रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, तो आपके लिए रॉन्ग जो स्टेटमेंट बनता है वो थर्ड बन जाता है। ये थर्ड ही आंसर है आपके लिए। नेक्स्ट, सिमिलर कैरेक्टर इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में समान लक्षण को आपको चयन करना है। प्रेजेंस ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, तो फ्लावर फ्रूट की जो प्रेजेंस है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है जबकि एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी विथ इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें आप देखते हो कि गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट, तो आप ये चीज नहीं देखते हो दोनों में ही। बोथ हैव कवर्ड सीट, कवर्ड सीट एंजियोस्पर्म में होंगे जिम्नोस्पर्म में नहीं होंगे। बोथ हैव ओव्यूल्स, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, दे आर सीड बियरिंग प्लांट्स। मतलब ये हुआ कि सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से ही तो होता है। ऑब्वियसली हेटरोस्पोरी आपको सिलेजिनेला में मिल जाती है, बट दे लैक ऑफ सीड फॉर्मेशन। व्हाई? बिकॉज दे लैक ऑफ ओव्यूल फॉर्मेशन, क्योंकि इनमें ओव्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता, तो ये इनके सिमिलर कैरेक्टर में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको समझना है और इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, बिल्कुल एनसीईआरटी के मेटाबॉलिज्म वाले पहली लाइन में लिखा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ केमिकल्स, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि लिविंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एक्सप्रेस इटसेल्फ विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट बाय वेरियस एक्टिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। इसी के बेसिस पर हमने लिविंग को लिविंग माना है, ठीक है। तो ग्रोथ इंक्लूड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स। एक्चुअली ग्रोथ को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं की है, बिकॉज ग्रोथ परफॉर्म इन बोथ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग, ठीक है। इंटरनल ग्रोथ मे स्टडीड इन लिविंग्स वाइल एक्सटर्नल ग्रोथ स्टडीड इन नॉन लिविंग्स। तो ये बी आपके लिए गलत हो रहा है, ए आपके लिए सही है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, ये हमारे लिए सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इंक्लूड एज ए डीमेरिट ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। दोष के रूप में द्विजगत का कौन दोष नहीं है, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखे हैं। एनसीईआरटी में कहा गया है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के जरिए लीनियस ने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर इंक्लूड एंड सेम किंगडम, एक ही किंगडम में रख दिया, क्योंकि उन्होंने किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया बनाया था, तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। तो ये कहीं ना कहीं डीमेरिट इनके लिए नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड, बिल्कुल सही है। ये इनके लिए डीमेरिट के फॉर्म में इंक्लूड आप नहीं करोगे। ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई इन किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया, देखो ये इनका करैक्टर था, ये पहला साइंटिस्ट था जिसने साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। नो डाउट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, लेकिन सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को इन्होंने किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया में डिफ्रेंशिएट किया। एनसीईआरटी खुद कहती है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये लंबे समय तक लोगों ने कंसिडर भी किया, ठीक है। फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक इन प्लेस इन सेम किंगडम, बिल्कुल सही है। तो आप इसे भी डीमेरिट के फॉर्म में इंक्लूड नहीं करोगे। तो ये डीमेरिट है आपके लिए, सेकंड डीमेरिट है आपके लिए, फर्स्ट डीमेरिट है, ये कोई डीमेरिट नहीं है। ये तो इसी का वास्तव में करैक्टर है, जहां पर ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया रिप्रेजेंट वेरिएबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ। ये नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है। एनसीईआरटी कहती है कि आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया रिप्रेजेंट वेरिएबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया एनसीईआरटी के जरिए कि वहां सेल मेम्ब्रेन में भी वेरिएबिलिटी पाई जाती।
सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी वेरिएबिलिटी है। कहा जाता है कि ऑर्किबैक्टीरिया हैव ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड व्हाइल द यूबैक्टीरिया लैक ऑफ ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड। तो फिर बात ये हो जाती है कि सेलर ऑर्गेनाइजेशन तो दोनों के अंदर प्रोकैरियोटिक है, तो आप इसे ऐसे वेरिएबिलिटी कंसिडर नहीं कर सकते हो। स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, यस इसमें आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप मान सकते हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए फोर्थ आंसर बन जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। इज दैट क्लियर? बढ़िया इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ग्राम स्टेनिंग यूज टू क्लासिफाई बैक्टीरिया इन टू ग्रुप्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है, तो याद करो एनसीईआरटी ने क्लियर कट लिख रखा है कि बैक्टीरिया आर क्लासिफाई इन टू ग्रुप्स ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ इनवेलप। इनवेलप इंक्लूड थ्री कंपोनेंट्स लाइक ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो इन तीनों में डिफरेंसेस हैं, उसी के बेसिस पर ग्राम स्टेनिंग के जरिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो आपके लिए सीधा आंसर फोर्थ बन जाता है। ठीक है, केवल झिल्ली, केवल कोशिका भित्ति, केवल ग्लाइकोकैलिक्स नहीं, ये तीनों को ही कंबाइंडली हम इनवेलप या आवरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोसिस्ट आर मेन साइट ऑफ एंडोफिक्सेशन दे आर फाउंड इन। तो ऑब्वियसली ये राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करता है, लेकिन इनमें हाइड्रोसिस्ट की प्रेजेंस नहीं होती। हाइड्रोसिस्ट एक्चुअली आपके लिए इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, जहां पर आपको इस तरीके से एक रूट नोड्यूल का कंसेप्ट देखने को मिलता है। ये एक हाइड्रोसिस्ट है, इस तरीके से यहां पर जो एंजाइम होते हैं वो नाइट्रोजिनेज होते हैं, नाइट्रोजिनेज, और यही है एक्चुअली यही आपके लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है, और ये स्ट्रक्चर आपके लिए कहलाता है हेटरोसिस्ट। ये आपके उन सभी साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स में प्रेजेंस होता है जो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसमें आपका नॉस्टॉक आता है, जिसमें आपके लिए एनाबीना आता है, ऑसिलेटोरिया आता है, रेबुलेरिया आता है, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो एनाबीना में हाइड्रोसिस्ट की प्रेजेंस है, इसमें एग्रोबैक्टीरियम में नहीं है, यूलोथ्रिक्स में नहीं है, राइजोबियम में इसकी प्रेजेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इनमें से सेलेक्ट करना है जेनरा, इनमें जो टर्म दिए गए हैं इनमें से जेनरा कौन से है। तो सिलेजिनेला इंक्लूड एज ए जेनरा, क्योंकि सिलेजिनेला की स्पीसीज होती है रूपेस्ट्रिस एंड क्रोशियाना। सिलेजिनेला क्रोशियाना, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, तो सिलेजिनेला इज ए जीनस। ठीक है, पेंथेरा, लियोपार्डस एंड टिग्रिस, तो ये एक जेनरा हो जाएगा। सोलेनम नाइग्रियम, सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम टिब्रोसम, सोलेनम इज ए जेनरा। पाइनस, पाइनस जिराडियाना, जिसे हम इंडियन पाइन के नाम से जानते हैं, इसके सीड्स को हम चिलगोजा कहते हैं, जो एज ए ड्राई फ्रूट यूज किए जाते हैं, पाइनस इज ए जेनरा। ठीक है, इसके बाद नाइग्रियम, तो सोलेनम नाइग्रियम, सोलेनम नाइग्रियम, एक्चुअली सोलेनम इसका आपके लिए जेनरा है, और नाइग्रियम इसके लिए एक स्पीसीज है। तो सोलेनम इज ए जेनरा एंड दिस इज ए स्पीसीज, यानी कि ये जाति है और ये वंश है, तो आपके लिए ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना एक्चुअली ये एट्रोपा इसका जीनस है, और बेलाडोना इसकी स्पीसीज कंसिडर होती है। तो ये स्पीसीज है और ये आपके जीनस, जीनस को ही जेनरा यहाँ कंसिडर किया गया। तो ऑब्वियसली
आपके ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो अल्टीमेटली जेनरा के चल लिए 1, 2, 3, 4 फोर टर्म्स आते हैं और ये इस तरीके से आपके लिए थर्ड आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली कॉन्वॉल्वुलेशन इंक्लूड इन फॉलोइंग ऑर्डर। देखो एनसीईआरटी में जहाँ पर टैक्सोनॉमिक हायरार्की या कैटेगरी की हमने जहाँ बात करी है वहाँ बिल्कुल ये बात लिखी है कि फैमिली सोलेनेसी एंड कॉन्वॉल्वुलेशन इंक्लूड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। तो बिल्कुल ये एनसीईआरटी से बनाए हुए क्वेश्चन हैं, आप इन्हें फील भी कर रहे होंगे, आप इन्हें अच्छे से याद रखें। इन्हें गलत होते हैं तो आप उनको दोबारा और समझने की कोशिश करें, ठीक है। कॉलोनी ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर जनरली सराउंडेड बाय फॉलोइंग। ऑब्वियसली एनसीईआरटी में जिलेटिनस से एक कवरिंग या सीथ की बात करी गई है, तो सेल वॉल से तो कवर्ड होती है इंडिविजुअल हर एक सेल, लेकिन यहाँ कॉलोनी की बात हो रही है। कॉलोनी किससे कवर्ड होगी, तो कॉलोनी जिलेटिनस सीथ से कवर्ड होती है, क्योंकि एनसीईआरटी में एज इट इज है। स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ये आपके पाए जाते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स के अंदर, सेल मेम्ब्रेन तो हर सेल में पाई जाएगी, तो इसके लिए सीधा सीधा आंसर है आपके लिए फोर्थ। नेक्स्ट, फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम फंजाई में इंक्लूड एज ए बाउंड्री। देखो एक्चुअली प्रोटिस्टा में कहा गया है कि किंगडम प्रोटिस्टा हैव नॉट एनी क्लियर बाउंड्रीज, तो उसी के रेस्पेक्ट में मेरा मानना है कि आप इस फंजाई के लिए बाउंड्रीज क्या होंगी, तो फंजाई के लिए बाउंड्री होंगी कि इनमें फूड ऑयल एंड स्टार्च के रूप में, स्टार्च कह दिया, ग्लाइकोजन होता तो ये हो जाता, प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसमें हो नहीं सकता, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन सेल वॉल, ऑब्वियसली इनमें सेल वॉल में अगर काइटिन है तो आप उसे किंगडम फंजाई में जाके इंक्लूड करा सकते हैं, तो सीधी बात है कि इसमें ये वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर आप इसे एज ए कंसिडर कर सकते हो कहीं ना कहीं आपके आंसर के फॉर्म में। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड आर सिमिलर विद फंजाई इन फॉलोइंग कैरेक्टर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मी आप स्लाइम मोल्ड को देखते हो, स्लाइम मोल्ड में क्या करेक्टर है जो फंजाई से इसको रिसेम्बलेंस दिलाता है, क्योंकि हम इसे स्लाइम मोल्ड यानी कि मिक्सोमाइसिटीज को के नाम से जानते हैं। स्लाइम मोल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सोमाइसिटीज। माइसिटीज का मतलब होता है फंजाई, इसका मतलब आपके लिए होता है फंजाई, एंड इसका मिक्सो का मतलब होता है स्यूडो, मतलब ये फंजाई तो है लेकिन ये स्यूडो है, ये ट्रू फंजाई नहीं है। तो वो ऐसा कौन सा करेक्टर है जिसके बेसिस पर आप इस स्लाइम मोल्ड को जो कि प्रोटिस्टा में रखा गया है आप उसे फंजाई से रिजेम्बलेंस देते हो, तो फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी फलनकाय का निर्माण, दिस इज यूनिक करेक्टर ऑफ फंजाई। आपके एस्कोमाइसिटीज के मेंबर एस्कोकार्प बनाते हैं, बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर बेसिडियम बनाते हैं, ये इनकी फ्रूटिंग बॉडी है। डिप्लॉयड स्पोर्स, डिप्लॉयड स्पोर्स तो कोई नहीं बनाता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक्चुअली स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइट होता है। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल प्लाज्मोडियम में होता है लेकिन आपके फंजाई में एब्सेंस नहीं होता, फंजाई के जो ट्रू फंजाई है यूमाइसिटीज हैं उनमें हमेशा सेल वॉल प्रेजेंस होती है, तो आपके लिए ये भी नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ फ्रूटिंग बॉडी की जो प्रेजेंस है, फलनकाय की जो उपस्थिति है, वो आपके लिए राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊस्पोर एंड जायगोस्पोर। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फंगस को अगर ध्यान से देखते हो तो जो पहला डायग्राम है फंगस वाले हिस्से में वो जायगोस्पोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो राइजोफस म्यूकर में गैमिटेंजियल कॉपुलेशन को दिखा रहा है, वहाँ जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं वो कहीं ना कहीं जायगोस्पोर है। लेकिन एनसीईआरटी में अपन इसी हिस्से में ऊपर की साइड में देखें तो वहाँ पर ऊस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स के नाम पर वहाँ आपको तीन स्टर्म लिखे गए हैं, ऊस्पोर एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो ऊस्पोर फिर कौन है एक्चुअली, यहाँ एनसीईआरटी ने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से क्या काम किया है, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज के दो ग्रुप होते हैं, एक एलोमाइसिस एक ऊमाइसिस।
तो इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, एक को डायग्राम में दिखा दिया, एक को उन्होंने थियोरेटिकल बेसिस पर लिख दिया, आखिर सेक्सुअल स्पोर्स के नाम पर वो स्पोर्स एस्कोस्पोर और बेसिड स्पोर्स क्यों लिखे? क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, तो वहाँ तो स्पोर्स बनने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इसीलिए आपके फाइकोमाइसिटीज को जस्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने दो टर्म यूज किए, ऊस्पोर एंड जायगोस्पोर रिलेट विद। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों की इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, इसलिए फाइकोमाइसिटीज का राइट आंसर बन जाता। क्लियर? नेक्स्ट, स्पोर्स ऑफ एल्गी एंड फंजाई रिप्रेजेंट एंडोजीनस ऑरिजन। अच्छा है, किसमें अंतर्जात या अंतर्जात जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलता है, एल्गी एंड फंजाई। तो जू स्पोर जो बनते हैं, कुछ जू स्पोर फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में बनते हैं, एस्कोस्पोर भी एंडोजीनस फॉर्म में ही डेवलप होते हैं। आप ये एस्कस देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कहीं ना कहीं एस्कोस्पोर हैं, दे आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। इसे हम कहते हैं एस्कस। क्या कहते हैं? ये एस्कस है, एस्कोमाइसिटीज में बनता है, इसके अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं, मतलब एंडोजीनस ऑरिजन को शो किया जा रहा है। जू स्पोर एंजियम के अंदर बनते हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए ये हो जाता है फर्स्ट आंसर। अब आप यहाँ बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनस है तो ये यहाँ गलत हो गया, फिर बेसिडियोस्पोर्स हैं तो यहाँ गलत हो गया, कोरिडिया एक्सोजीनस शो करते हैं। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट आंसर 100% राइट बनता है। सिलेक्ट एल्गी रिप्रेजेंट द सिमिलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में कैसी जनरेशन होती है? हैप्लो डिप्लोंटिक ये साइकिल होती है। अब एल्गी एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें नॉर्मली तो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल होती है, लेकिन यहाँ कुछ में हैप्लो डिप्लोंटिक शो होती है, जैसे फ्यूकस है उसमें डिप्लोंटिक शो होती है, एक्टोकार्पस है, कैल्प है, इनके अंदर हमें पॉलीसेक्वोनिया है, आपको हैप्लो डिप्लोंटिक देखने को मिलती है। ब्रायोफाइट नाम में भी हैप्लो डिप्लोंटिक है और इसके अंदर भी यही चीज है और इसके अंदर भी यही चीज है, तो इसका मतलब है सेकेंड एंड थर्ड हमारे लिए राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन ऑफ फॉलोइंग प्लांट ट्रांसफर बाय एयर आर। किसमें पोलन ग्रेन हवा के जरिए ट्रांसफर होते हैं? बिल्कुल एनसीईआरटी से फ्रेमिंग है। जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन आपके थ्रू द एयर ट्रांसफर होते हैं, एयर करंट के जरिए ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि पाइनस में विंग्ड पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। ऑब्वियसली ग्रासेस में भी एनिमोफिली पाई जाती है, हवा के जरिए ये ट्रांसफर किए जाते हैं। लोटस मस्टर्ड इनमें ऐसा नहीं होता है ना, इसमें साइकस एंड सिलेजिनेला है तो इनमें कहीं ना कहीं पोलन ग्रेन बनते ही नहीं है। चाइना रोज एंड लिली तो इनमें कहीं ना कहीं एंटेमोफिली हमें देखने को मिलती है। पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट टुवर्ड्स द माउथ। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पोलन ट्यूब है और यहाँ आर्किगोनियम है, आप इन दोनों टर्म को आपस में कनेक्ट कर दो तो आपको आंसर मिल जाता है। नंबर वन, पोलन ट्यूब कहाँ बनेगी? जहाँ पोलन ग्रेन होंगे। दूसरा, आर्किगोनियम कहाँ होगी? जहाँ आर्किगोनियम की प्रेजेंस आपको ब्रायोफाइट से लेकर जिम्नोस्पर्म तक मिलती है, एंजियोस्पर्म में ये कभी भी नहीं मिलती है। तो इसका मतलब पी में आपको नहीं मिलेगी, लिली में आर्किगोनियम नहीं मिलेगी, पॉलीट्राइकम में आर्किगोनियम तो होगी लेकिन आपकी पोलन ट्यूब नहीं होगी। तो ले देके एक ही चीज बनती है, वो है पाइनस। एनसीईआरटी ने बिल्कुल लास्ट के पैराग्राफ में इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट, ड्वार्फ सूट ऑफ गिंगो आल्सो कॉट। देखो ये इसलिए फ्रेम किया गया है, आप एनसीईआरटी में जिम्नोस्पर्म में गिंगो का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ लॉन्ग सूट एंड ड्वार्फ सूट की बात करी गई है। ऐसे ही ये दोनों ही ट्राइब के जो स्टेम ब्रांचेस हैं ये हमें पाइनस में भी नज़र आती हैं। तो लॉन्ग सूट को ड्वार्फ सूट जो कि बॉनी शाखा होती है इसे हम क्या और कहते हैं? तो लॉन्ग स्टेम कहेंगे नहीं, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जो ड्वार्फ सूट होती है उसे हम ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, इसमें एक निश्चित समय तक ही दूरी होती ग्रोथ होती है, उसके बाद इसमें ग्रोथ रुक जाती है, इसीलिए हम ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ सीमित वृद्धि वाली शाखा भी कहते हैं। ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ इसमें ये लॉन्ग सूट को कहा जाता है। लॉन्ग सूट अगर होता तो इसके लिए राइट आंसर ये बन जाता,
इसलिए हमारे लिए सेकेंड आंसर सही बनता है. क्लियर. नेक्स्ट विच इज नॉट ए यूज ऑफ टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइट का क्या यूज नहीं है. बिल्कुल एनसीईआरटी से फ्रेमिंग क्वेश्चन है. मेडिकल पर्पजेस. बिल्कुल एनसीईआरटी ने पहली ही लाइनों में ये बात कही है कि टेरिडोफाइट को हम मेडिकल यूजेस में भी यूज कर सकते हैं. सॉइल बाइंडर एनसीईआरटी बात करती है. ऑर्नामेंटल के फॉर्म में इसका यूज बताया जाता है. लेकिन टिम्बर प्रोडक्शन इन रिसेंट टाइम आप इसमें लकड़ी का उत्पादन नहीं कर सकते. इसकी एक और वजह है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में नॉर्मली वो टेरिडोफाइट में नॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है और इसीलिए वुड का फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा. तो थर्ड इज राइट. एडविनिटी रूट ऑफ साल्विनिया ओरिजिनेट फ्रॉम. ये एम्स का क्वेश्चन है. अभी रिसेंटली पिछले साल ये पूछा गया था कि आखिर एम्स उसमें साल्विनिया में आप ध्यान से देखना उस डायग्राम को एनसीईआरटी को. तो वहाँ पर रूट से इसकी लीव्स वो एडविनिटी रूट ऑरिजिनेट होती हैं. तो आपको सीधे याद ही रखना है कि दे ऑरिजिनेट फ्रॉम लीव्स. ठीक है. राइजोम से नहीं. राइजोम से इक्विसिटम में डेवलप हो सकती हैं. स्टेम से नहीं. रेडिकल से नहीं. ठीक है. इसको आपको बस याद रखना है. सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर मॉस प्लांट. मॉस प्लांट के लिए पहले तो रॉन्ग और फिर मॉस प्लांट के लिए. मॉस के लिए हमें गलत कथन का चयन करना है. देयर लीव्स लीफी गैमेटोफाइट ओरिजिनेट फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोजोआ. बिल्कुल एनसीईआरटी ने लिख रखा है. दे रिप्रेजेंट जायगोटिक मियोसिस. सुनो ध्यान से. आपके जो मियोसिस होते हैं उनके तीन टाइप होते हैं. एक होती है जायगोटिक मियोसिस. जायगोटिक मियोसिस पाई जाती है थैलोफाइट्स में. थैलोफाइट्स का मतलब है आपके लिए एल्गी एंड फंगस. तो इन्हीं में आपको ये देखने को मिलेगी. कौन? जायगोटिक मियोसिस. यहाँ जो मॉस होते हैं मॉस प्लांट इनमें स्पोरिक मियोसिस होती है. स्पोरिक मियोसिस में सीन इन ब्रायोफाइट टू एंजियोस्पर्म. इनमें स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है. एक गैमेटिक मियोसिस होती है जो कि एनिमल्स में हमें देखने को मिलती है. तो इसीलिए दे रिप्रेजेंट जायगोटिक मियोसिस. यहाँ ये गलत हो जाता है. मोर एलोबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल. बिल्कुल सही है. मॉस में होती है लिबरवर्ट के रेस्पेक्ट में. मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजॉइड. बिल्कुल सही है कि मॉस के जो राइजॉइड होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं और ब्रांच भी होते हैं. तो आपके लिए जो राइट आंसर बनना है यानी कि रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो यहाँ सेकेंड हो जाता है. नेक्स्ट स्पायरल अरेंजमेंट ऑफ लीफ. देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज को लेकर. लीफ लाइक मतलब ये ट्रू लीव्स नहीं है. हालांकि एनसीईआरटी ने सिर्फ लीव्स लिख रखा है उस लाइन में. मैंने आपको लीफ लाइक दिया है जिससे कि हिंट मिल जाए. वो ये है कि कैलाट्रोपस में अपोजिट लीफ का एस्टिमेशन होता है तो आपको ये नहीं मिलेगा. ऑक्सेलिस में यहाँ पर कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं और ये कहीं ना कहीं क्वाडिफोलियोलेट लीव्स होती हैं. इक्विसिटम में जो लीव्स होती हैं वो एक्चुअली इसके नोड्स से ऐसे स्पायरल फॉर्म में अरेंज होती हैं. ये आपके इस वो बंश में अरेंज होती हैं वॉल के फॉर्म में. तो फ्यूनेरिया एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको लीव्स एक तो सेसाइल मिलेंगी और इस तरीके से स्पायरल फॉर्म में देखने को मिलती है. स्पायरली अरेंज होती हैं. तो फ्यूनेरिया इसके लिए राइट आंसर आपके लिए बन जाता है. ठीक है. नेक्स्ट राइजोम में प्रेजेंट राइजोम प्रकंद की उपस्थिति हो सकती है. ध्यान देने वाली बात है आपके एनसीईआरटी ने इक्विसिटम वाले हिस्से में यहाँ राइजोम की कंसेप्ट बात करी है. आप खासतौर से देखना इस हिस्से को. बाकायदा एनसीईआरटी ने राइजोम शब्द लिख रखा है. ये एरियल स्टेम है. ये अंडरग्राउंड स्टेम है. तो इक्विसिटम तो कंफर्म है. साल्विया. साल्विया इज ए एंजियोस्पर्म. नॉर्मली लैक ऑफ राइजोम. फर इक्विसिटम. हाँ ये जरूर है. जितने भी फर्न होते हैं उनमें स्टेम अंडरग्राउंड होता है और फर्न के फॉर्म में होता है. और इनकी जो लीव्स होती हैं वो कंपाउंड लीव्स होती हैं चाहे वो पिनेट हो चाहे पामेट. आप लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे. देखो अनियन में होती नहीं है तो आप इसको तो भूल जाओ. ठीक है. अब सिलेजिनेला के लिए आप ध्यान दो. सिलेजिनेला एक्चुअली क्रीपर प्लांट है. आप इसे याद रखना. इस तरीके का प्लांट है
इसमें स्पाइरल अरेंजमेंट होता है लीव्स का इस तरीके से। अब आप डायग्राम अगर ध्यान से देखो तो इसमें रूट्स बाकायदा आपको नजर आ रही। जब रूट इस तरीके से अरेंज हैं तो ये राइजोम नहीं, ये एक्चुअली यहाँ एरियल स्टेम है, हवा में पाया जाने वाला स्टेम है जो इस तरीके से है, लेकिन ये राइजोम में कंसिडर नहीं है, इसीलिए आपके लिए ये आंसर नहीं बनेगा। फर एंड इक्विसिटम 100% आपके लिए एनसीईआरटी बेस ये क्वेश्चन है और आराम से इसे आंसर बनाया जा सकता है। ये आपके लिवरवर्ट्स वाले हिस्से में कंसेप्ट दिया गया है कि थैलस ऑफ लिवरवर्ट्स मे हैव सेक्स ऑर्गेन ऑन सेम और ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स, तो मैंने उसको जस्टिफाई क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। तो यहाँ रिक्शिया एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपके एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम दोनों की प्रेजेंस एक ही जगह पर होती है, यहीं पर इसमें एंथ्रीडियम होंगे, यहीं पर इसमें आर्किगोनियम होंगे, ये है रिक्शिया का इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। लेकिन आप मार्किंशिया को जानते हो तो मार्किंशिया में मेल एंड फीमेल गैमेट पार्ट अलग अलग है, उनके एंथ्रीडियल डिस्क और आर्किगोनियल डिस्क होते हैं, उन पर आपके अलग अलग सेक्स ऑर्गेन इसमें देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर तो यही बनता है, रिक्शिया फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के दोनों सेक्स ऑर्गेन एक ही प्लांट पर होते हैं, स्पेक्ट्रम में दोनों पर एक ही पर होते हैं, इसमें भी बोथ सेक्स ऑर्गेन प्रेजेंस ऑन सेम प्लांट, इस ये हो नहीं सकता, इनमें दोनों अलग अलग होंगे, तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट बनता है। हिटरोस्पोरी एंड होमोस्पोरी बोथ आर फाउंड इन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है, डिवीजन है जिसके अंदर आपको होमोस्पोरी हिटरोस्पोरी दोनों देखने को मिलेगी। अब याद रखना जो स्पोर्स बनना कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो स्पोर्स बनते हैं आपके स्पोरिक, जहाँ मियोसिस स्टार्ट होती है वो है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में होमोस्पोरी होती है, एक ही तरीके के स्पोर्स पाए जाते हैं। अगर आप जिम्नोस्पर्म में जाएंगे तो 100% हेटरोस्पोरी मिलेगी, मेल मतलब माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स बनेंगे, ऐसे ही एंजियोस्पर्म में भी होता है। लेकिन ट्रिडोफाइट एक मात्र ऐसा प्लांट ग्रुप है जहाँ पर आपके लाइकोप्सिडा के अंदर और टेरोप्सिडा, ये दो ऐसी क्लास हैं जहाँ पर आपको हेटरोस्पोरी होमोस्पोरी दोनों देखने को मिलती है, इसीलिए आपके लिए सीधा आंसर बनता है वो है फोर्थ। नेक्स्ट, सिलेक्ट जीनोफिटिक कैरेक्टर ऑफ इन जिम्नोस्पर्म प्लांट। बिल्कुल, एनसीईआरटी ने कह रखा है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा, तो उसी पर फ्रेमिंग की गई है। यहाँ पर संकन स्टोमेटा की प्रेजेंस है, थिक क्यूटिकल की प्रेजेंस है, फर्स्ट एंड थर्ड इसका राइट आंसर बनता है। सिलेक्ट द फॉलोइंग प्लांट, देयर जाइगोट डेवलप इन यंग एम्ब्रियो ऑन फीमेल गैमेटोफाइट बट लैक ऑफ सीड फॉर्मेशन। आपको इस चीज को ध्यान देना, ये काम कहाँ कहाँ मिलेगा, आपको सिलेजिनेला मिल जाएगा, जिम्नोस्पर्म में मिल जाएगा और एंजियोस्पर्म मिल जाएगा, मतलब जायगोट डेवलप इन यंग एम्ब्रियो ऑन फीमेल गैमेटोफाइट, लेकिन सीड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो सीड यहाँ बनते हैं तो ये गलत हो गया आपका। साल्विनिया इक्विसिटम, ठीक है, इस पर बात करी जा सकती है, साल्विया में सीड बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इक्विसिटम की बात करें तो देखो, इक्विसिटम में प्रोथेलस बनता है, यहाँ पर आपका फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बनता है। आप ज़्यादातर इस सेगमेंट में कंफ्यूज हो सकते, ठीक है, साल्विनिया हेटरोस्पोरी शो करता है तो यहाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इक्विसिटम में ऐसा नहीं होगा। तो आपके लिए फिर राइट आंसर बनता है सिलेजिनेला, ओनली ओनली सिलेजिनेला, ठीक है। तो ये आपके लिए फोर्थ राइट आंसर था। होमोस्पोरी फाउंड इन फॉलोइंग प्लांट्स, बढ़िया है, समझने की जरूरत है। साल्विया में हेटरोस्पोरी होगी, सिलेजिनेला में हेटरोस्पोरी है, साइकस में हेटरोस्पोरी है, लाइकोपोडियम में होमोस्पोरी हमें देखने को मिलती है। लाइकोपोडियम की क्वेश्चन फ्रेम करने की वजह ये है कि लाइकोपोडियम एनसीईआरटी में दिया गया है और इस पर नॉर्मली और अदर तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे तो आउट ऑफ एनसीईआरटी चले जाएंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए एक जरूरी है। सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑफ गैमी, गैमी के लिए गलत सेलेक्ट करना है। मल्टीशेलर है, बिल्कुल सही है, एसेक्सुअल बर्ड है, ग्रीन कलर में पाए जाते हैं, मियोसिस के जरिए नहीं होते। गैमी एक्चुअली मार्किंशिया का जो एक प्लांट होता है, इस तरीके का मार्किंशिया होता है, इसे हम मिडरिब कहते हैं। यहाँ को कप लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं,
इसी को हम गैमा कप कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमा कप। और ये गैमा कप किस पर डेवलप होता है? मिड रिब। आपको एक और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उस टाइम पर भी कंसेप्ट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मार्केंसिया है, ठीक है, मार्केंसिया है। तो इसमें आपके आर्किगोनियल डिस्क और एंथ्रेटेड डिस्क भी देखने को मिलेंगे इस तरीके से। तो ये माइटोसिस नहीं, ये तो गैमेटोफाइट है ना, यानी कि ये तो एन प्लांट है। एन प्लांट है तो माइटोसिस होगी, मियोसिस क्यों होगी? तो इसीलिए आपके लिए राइट आंसर यही बनता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमा कप ऑरेंज स्टोन। अभी हमने आपको बैक साइड में बताया था कि ये डॉर्सल सरफेस पर अरेंज होते हैं, इनके वेंट्रल पर नहीं होते, डॉर्सल पर होते हैं। तो ये मेरे हिसाब से संभावित क्वेश्चन है। वेंट्रल पर नो, आर्किगोनल डिस्क नो, एंथ्रेटेड डिस्क नो, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट मेंबर हैव वन और मोर पाइलनॉड। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि एनसीईआरटी ने वन एंड मोर पाइलनॉड का कंसेप्ट आपको लिख रखा है। तो आपका जो क्लेमाइडोमोनास है, ये इसमें आपको यहाँ कप शेप एक क्लोरोप्लास्ट दिखता है, ठीक है, और ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर आपको एक पाइलनॉड नजर आता है। तो वो सिंगल पाइलनॉड आपके क्लेमाइडोमोनास में है, नंबर वन। अब आते हैं यूलोथ्रिक्स स्पाइरोवायरम, इसमें मैनी है, बहुत सारे होते हैं दोनों के अंदर, ठीक है। इसमें है वन और इसमें है मैनी, ठीक है। तो आपके लिए आंसर तो यही बन जाता है, लेमिनेरिया में होते नहीं हैं, यूलोथ्रिक्स में मैनी है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड बनेगा नहीं, तो आपके लिए आंसर सेकेंड ही बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग एल्गी लैक ऑफ हाइड्रोकोलॉइड। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Hydrocolloid are present in red and brown algae. They are totally absent in green algae. Green algae में absent होते हैं। ये red and brown के member हैं, but Eulothrix is a green algae और इसीलिए इसमें hydrocolloid की presence नहीं होगी, ठीक है। Next question, asexual reproduction in bollworms performed by, ये बढ़िया question है। According to me, एक bollworms होता है, bollworms में आपको यहाँ एक कॉलोनी नजर आती है, छोटी सी कॉलोनी, आप ध्यान से देखना, इसे हम डॉटर कॉलोनी कहते हैं। तो बॉलबॉक्स के लिए ये बात कही जाती है कि ये जो आप डॉटर कॉलोनी देख रहे हो, ये कॉलोनी क्या करती है, बाद में इस प्लांट से सेपरेट हो जाती है, ये बॉलबॉक्स है, और वो नए बॉलबॉक्स कॉलोनी को प्रोड्यूस करती है। तो आप बिल्कुल याद रखें, एनसीईआरटी ने डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखा रखा है, नो डाउट, लेकिन इसके इंफॉर्मेशन नहीं दिए, लेकिन डायग्राम में है तो क्वेश्चन हमारे लिए बनाया जा सकता है। डॉटर कॉलोनी इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल न्यू फ्रेमिंग है, आपने इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा होगा। सेलेक्ट राइट ऑप्शन फॉर गिविंग अ फिगर। ये एक स्फेग्नम का डायग्राम, ठीक है, स्फेग्नम के डायग्राम को ध्यान से देखना। तो यहाँ पर एंथ्रीडियल ब्रांच कही गई है, एंथ्रीडियल ब्रांच ये यहाँ से हटा दिया गया है, और ये जो ब्रांच है अंदर की साइड, इसे आर्किगोनियल कहा गया है, आर्किगोनियल ब्रांच, ठीक है। तो आपको यही पूछा जा रहा है कि आखिर इसके अंदर राइट ऑप्शन आपको देखना है। तो ऊपर की शाखाओं में एंथ्रीडियम होते हैं, बिल्कुल सही है, निचली शाखाओं में आर्किगोनियम होते हैं, बिल्कुल सही है। ऊपर की शाखा में एंथ्रीडियम, ऊपरी शाखा में एंथ्रीडियम होते, ठीक है। ऊपरी शाखा में एंथ्रीडियम होते, तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड इस तरीके से आंसर चला जाता है, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट इज नॉट इंक्लूड, ठीक है। ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के फॉर्म में क्या इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, क्योंकि यही वो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, जिन्होंने टेरेस्ट्रियल में आके फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन स्टार्ट किया। प्रोवाइड फूड फॉर बर्ड्स, बिल्कुल सही है। यूज एज फ्यूल, क्योंकि पीट का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम एज ए
फ्यूल यूज करते हैं, स्पाइस के फॉर्म में यूज नहीं होते हैं, इसलिए थर्ड आंसर इसका बन जाता है। फ्रॉन्ट इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इन फॉलोइंग प्लांट, आप में से कई लोगों ने इसको गलत किया होगा अकॉर्डिंग टू मी, आप इन चार्ट को ध्यान से देखना। एक्चुअली फ्यूकस में होते हैं फ्रॉन्ट, ब्राउन एल्गी का कैरेक्टर बताया गया है, थ्योरेटिकली बताया गया, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पोरफायरा के अंदर भी हमें फ्रॉन्ट सब दिखा मिलता है उसके डायग्राम में देखो, तो इसीलिए आपका फर्स्ट एंड थर्ड आंसर बनेगा, यूलोथ्रिक्स में फ्रॉन्ट नहीं होते। क्लियर? तो कोई भी जैसे ब्राउन एल्गी का मेंबर है, जैसे लेमिनेरिया की ही बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो इसे हम फ्रॉन्ट कहते हैं, दिस इज फ्रॉन्ट, ठीक है, एंड दिस इज स्टाइप, है ना, इसे स्टाइप कहते हैं और इसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट। तो फ्रॉन्ट है ओब्वियसली ब्राउन एल्गी फ्यूकस में है, लेकिन आपके पोरफायरा में भी मिलता है, तो हमारे लिए राइट आंसर फोर्थ बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इंटरनल फीचर प्रपोज्ड बाय, तो याद रखना नेचुरल क्लासिफिकेशन को देने वाला साइंटिस्ट जो आपकी एनसीईआरटी मेंशन है वो है बेंथम हुकर, तो हमें इसको बस याद रखना है। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इस पर ध्यान देना है, फोकस करना है। कंसिडर द फॉलोइंग टर्म, एक्चुअली टैक्सोनॉमी के लिए कहा गया है एनसीईआरटी के जरिए, टैक्सोनॉमी प्रोसेस कंप्लीटेड बाय फॉलोइंग फोर टर्म्स, कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर को लास्ट में लिया जाता है, ठीक है, तो एक सिक्वेंस आपको समझनी है। तो आपके लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपके पहले करेक्टराइजेशन के बाद में ये चीज आएगी, फर्स्ट नंबर पर ये आएगी, आपके सेकेंड पर ये, थर्ड पर ये, तो आपका बी ए सी, बी ए सी आपके लिए फोर्थ आंसर बनता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा है। हाउ मेनी गिवन मैक्सिमम जीनस इंक्लूड इन सेम फैमिली, इसमें ये बात कही जा रही है कि आखिर सेम फैमिली में किस तरीके से इंक्लूड किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम इंक्लूडिंग सेम फैमिली, एक ही फैमिली में रखे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका पेटोनिया सोलेनेसी में आएगा, सोलेनम आपके सोलेनेसी में आएगा, एट्रोपा सोलेनेसी में आएगा, धतूरा सोलेनेसी में आएगा, तो ये चार जो हैं मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इसी में आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर, गलत को चयन करना है, फिर है असमिलित युग्म का चयन कीजिए, ठीक है, वायरॉइड लैक ऑफ प्रोटीन, वायरॉइड में प्रोटीन एब्सेंट होती है, बिल्कुल ठीक है, एक बार वायरॉइड में प्रोटीन नहीं होती, वायरस कॉमन कोल्ड फ्लू पाया जाता है, ठीक है, फिर है वायरस डीएनए आरएनए एज ए जीनोम हो सकते हैं, लाइकेन इंक्लूड एज फाइव किंगडम क्लास्टर नहीं, वायरॉइड वायरस वायरॉइड प्रियॉन एंड लाइकेन आर नॉट इंक्लूडेड अंडर किंगडम फाइव किंगडम क्लास्टर, इसकी वजह है क्योंकि लाइकेन के अंदर एल्गी एंड फंजाई दोनों प्रेजेंस होते हैं, अब एल्गी है तो उसे प्लांटी में जाना चाहिए, फंजाई के बेसिस पर उसे किंगडम फंजाई में जाना चाहिए, तो ये कन्फ्यूजन का विषय था और इसीलिए विटेकर ने इसे कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया, तो आपके लिए मिसमैच्ड इसमें इंक्लूड कहा गया जबकि इंक्लूड नहीं किया है, तो इसीलिए आपका फोर्थ आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, मोरेल्स ट्रफल्स एंड मशरूम, बढ़िया क्वेश्चन है, मोरेल्स ट्रफल्स ये एस्कोमाइसिटीज में आते हैं, मशरूम आपका बेसिडियोमाइसिटीज में आता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज का ये मेंबर है, ठीक है, ये और बाकी ये एस्कोमाइसिटीज के हैं, तो एडिबल फंजाई है नो डाउट, और इन्हें इंक्लूड किया जाएगा, आपकी बेसिडियोमाइसिटीज में ये आ जाएगा और एस्को में ये दोनों आ जाएंगे, तो आपके लिए फोर्थ आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट रॉन्ग करेक्टर फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज के लिए गलत आपको सेलेक्ट करना है, प्लाज्मोगेमिन सोमेटिक सेल डिफरेंट स्ट्रेन, कहा जाता है कि ये प्लस एंड माइनस इन दो स्ट्रेन के बीच में सोमेटोगेमी शो करते हैं, ठीक है, तो ये सही है। कैरियोगेमी मियोसिस कंप्लीट इन बेसिडियम यानी कि बेसिडोपाथ में होती है, सेक्सुअल स्पोर्स डेवलप एंडोजीनसली, ये भी गलत हो गया, ठीक है, अच्छा ये गलत हो गया, लैक ऑफ इन सेक्सुअल स्पोर्स बिल्कुल सही है,
इसमें एब्सेंट होते हैं, तो रॉन्ग का सिलेक्शन करना है आपको। ये एक्चुअली एक्सोजीनस होते हैं, कहा जाता है आपने कभी टीलिडोस्पोर को ध्यान से देखा हो तो वहां पर एक जर्म ट्यूब बनती है इस तरीके से, और यहाँ इसमें फोर स्पोर्स एक्सोजीनसली बनते हैं। कहा जाता है दो प्लस के होते हैं, दो माइनस के होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं, तो ये एक्सोजीनस है नॉट एंडोजीनस, ठीक है। तो इसीलिए इस पॉइंट पर ये गलत हो रहा है, और इसलिए राइट आंसर भी आपके लिए थर्ड बनता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग एजेंट कैन ट्रांसमिट न्यूरोलॉजिकल डिसीज। तो न्यूरोलॉजिकल डिसीज के लिए वायरॉइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वायरॉइड प्लांट में डिसीज करता है, तो ये आपके लिए हो नहीं सकता। TMB प्लांट में डिसीज करेगा। HIV एक्चुअली इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ये न्यूरोलॉजिकल नहीं है, लेकिन प्रियॉन ये कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड इन्फेक्शन करता है। इसके इन्फेक्शन से अल्जाइमर के जैसे सिम्टम्स बॉडी में जनरेट होते हैं। कहा जाता है प्रियॉन ब्रेन में गैंग्लियन को डिग्रेड करने का काम करता है, इसीलिए जो पेशेंट होता है उसकी जो याददाश्त है, उसकी जो मेमोरी है, वो कमज़ोर होती चली जाती है। तो इसीलिए तो इसका जो एनिमल्स में एक डिसीज है मैड काउ डिसीज, क्योंकि ये कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल डिसीज को क्रिएट करता है। नेक्स्ट, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया कॉल्ड द बैक्टीरियोफाज, सही है। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है कॉल्ड बैक्टीरियोफाज, हम इसे बैक्टीरियोफाज के नाम से जानते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वायरस, ओके वायरस, और इसी को हम नाम देते हैं बैक्टीरियो। बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया, और फाज का मतलब होता है टू ईटिंग, किसी को खा जाना, डिस्ट्रॉय कर देना, तो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। इसे अगर डिस्ट्रॉय करता है तो इसे बैक्टीरिया, लेकिन जो एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, एनिमल को हार्म पहुंचाते हैं, वो आपके जूफाज कहलाते हैं, और उसको आपको सेलेक्ट करना है। TMB प्लांट पर करेगा, वायरॉइड प्लांट पर करेगा इन्फेक्शन, ये इकोलाई पर करता है। कायदे से HIV है जो एनिमल पर इन्फेक्शन करता है, तो इस तरीके से देखा जाए तो जो HIV है वो कहीं ना कहीं इसके जूफाज कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इंक्लूड एज ए सिम्टम ऑफ वायरल डिसीज। वायरल डिसीज के सिम्टम के फॉर्म में इंक्लूड नहीं किया। NCERT में कुछ प्लांट के अंदर सिम्टम्स दिए गए हैं, प्लांट डिसीज जो होती है वायरस के जरिए, तो मोजाइक इंफॉर्मेशन यस, येलो एंड वेन क्लियरिंग यस, ड्वार्फिंग ईस्टर्न डॉट, ये एक्चुअली बैक्टीरियल डिसीज होती है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए इसमें हमें थर्ड आंसर राइट मिलता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट रिजर्व फूड फॉर ऑफ यूलोथ्रिक्स एंड पॉलीशेफोनिया रेस्पेक्टिवली। यूलोथ्रिक्स में स्टार्च आपको देखने को मिलेगा, लेमिनेटेड स्टार्च नहीं मिलेगा, मैनिटोल आपको नहीं मिलेगा, स्टार्च एंड पाइरिनॉइड ये आपको नहीं मिल सकता, तो आपका राइट आंसर सेकेंड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज प्लॉयडी ऑफ प्लाज्मोडियम स्टेज इन स्लाइम मोल्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक्चुअली होता क्या है कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ना, ऐसे फ्रूटिंग बॉडी होती है, यहाँ से बनते हैं स्पोर्स, ये स्पोर्स क्या कर सकते हैं, गैमेट बनाते हैं, तो इस तरीके से ये गैमेट को मोटाइल फॉर्म में बना सकते हैं ऐसे। अब इनमें होता है फर्टिलाइजेशन से बनता है जायगोट, तो ये क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और इससे बना टू एन जायगोट। ये कहाँ, यहाँ कैसे बने थे, मियोसिस, स्पोर्स हैप्लॉइड कंडीशन मियोसिस से बनते हैं, और ये बनाता है आपके लिए प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन इसको करता है, तो ये प्लाज्मोडियम एक्चुअली आपके लिए बनता है ये टू एंड कंडीशन से, मल्टीन्यूक्लेटेड होता है, और फिर ये एडवर्स कंडीशन में इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी है किसकी, प्लाज्मोडियम यानी कि स्लाइम, तो ये जो कंडीशन हो जाती है ये टू एन होती है, ठीक है, यहाँ स्पोर्स जो होते हैं वो एन होते हैं, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट आर फाउंड इन फॉलोइंग प्लांट्स। किसमें इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट प्रेजेंस होंगे, तो एडियंटम में, लेकिन पाइनस में डिपेंडेंट होंगे, ठीक
ठीक है, इसके बाद में सेड्रस में डिपेंडेंट होंगे, बॉलफिया में डिपेंडेंट होंगे, तो एक ही क्वेश्चन आंसर बनता है इक्विसिटम। एक्चुअली ट्रिडोफाइट के लिए याद रखना इस चीज को कि ट्रिडोफाइट हैव बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इन इंडिपेंडेंट कंडीशन एक्सेप्ट सम प्लांट्स लाइक सिलेजिनेला में जरूर कहा जाता है कि गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट एट अ वेरिएबल टाइम पीरियड। ठीक है, तो आपके लिए सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट के लिए क्या गलत है, मीन्स इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सोचो एनसीईआरटी ने बिल्कुल लिख रखा है जहाँ पर जिम्नोस्पर्म फिनिश हुए हैं उसके बाद एंजियोस्पर्म की स्टडी स्टार्ट की, तो याद रहे ट्राइमेरस जो फ्लावर होते हैं वो मोनोकॉट के लिए होते हैं, पैरेलल वेनेशन भी मोनोकॉट का करैक्टर है, तो आपका ये जो पेंटामेरस है ये डाइकॉट का करैक्टर है, किसका, डाइकॉट, और इसीलिए आपका जो सेकेंड है वो राइट आंसर बन जाएगा, मतलब वो मोनोकॉट के लिए सही नहीं है, मोनोकॉट में आपके ट्राइमेरस हो। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, आपको गोनियोलेक्स इवलिना दिया गया है, इवलिना ज़्यादातर प्रेजेंस होते हैं फ्रेश वाटर में, सिमिलर क्लोरोफिल विथ ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में एक्चुअली आपके होते हैं ए एंड सी क्लोरोफिल, ए एंड सी आपके इसमें भी पाए जाते हैं, तो ये सिमिलर हो गया, मोस्टली मेराइन, तो मोस्टली मेराइन ये हो गया, हैव सिमिलर पिगमेंट्स विथ हायर प्लांट्स, तो आपके लिए इवलिना का ये कंसेप्ट ये बन जाता है, तो आपके युगलीना में जा रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ, तो युगलीना मतलब बी, फर्स्ट एंड फोर्थ बी में ये रहा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड एंड थर्ड आपके लिए गोनियोलेक्स का है, तो सेकंड इसका राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग टर्म हेट्रोसिस्ट एंड रूट नोडल, ये बढ़िया क्वेश्चन है, न्यू फ्रेमिंग है 100%। ठीक है, लेकिन इसमें आप समझना है सिमिलर स्टेटमेंट क्या है, किसके लिए, हेट्रोसिस्ट एंड रूट नोडल के लिए, बोथ आर रिप्रोडक्टिव यूनिट, नहीं, हाँ ये बात सही है कि ऑन रिक्वायरमेंट हेट्रोसिस्ट में परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया, लेकिन रूट नोड्यूल में तो कोई रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है ना, बोथ आर साइट ऑफ एंटोफिक्सेशन, हाँ ये बात सही है कि यहाँ पर भी एंटोफिक्सेशन होता है, यहाँ भी एंटोफिक्सेशन होता है, बोथ हैव पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत हो गया, बोथ आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि आपके रूट नोड्यूल तो यूकैरियोट में होते हैं लेगमिनस प्लांट में, तो आपके लिए जो सही है सिमिलर फीचर तो वो सेकेंड ही है, क्योंकि इन दोनों में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सेलेक्ट राइट स्टेटमेंट फॉर जू स्पोर ऑफ एल्गी, जू स्पोर एल्गी चल भी जानो के लिए सही चुनना है। ठीक है, दे प्रिफेयर इन क्लेमाइडोमोनास एंड यूरोथ्रिक्स, बनते हैं दोनों में, आप 12th के एनसीईआरटी को ध्यान से देखना, वहां पर आपको इस तरीके से जू स्पोर का एक डायग्राम दिया गया है जहाँ जू स्पोर इस क्लेमाइडोमोनास से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली दे आर हैप्लॉइड, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो माइटोसिस से बनते हैं, ये भी हैप्लॉइड होंगे। ऑल जू स्पोर्स हैव लेटरल फ्लैजेला, लेटरल फ्लैजेला जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन एल्गी में होते हैं, कहाँ होते हैं, ब्राउन एल्गी में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये तो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में आपको कैसे मिलते हैं, एपिकल, ये एपिकल है, तो ये आपके लिए गलत हो जाता है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं, तो आपके लिए थर्ड आंसर अकॉर्डिंग टू मी सही है। विच इज मिसमैच्ड पेयर गिवन बिलो, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है, संभावित क्वेश्चन, ब्लैडर वर्ड, यहाँ सब कंफ्यूज होंगे, ब्लैडर वर्ड एक्चुअली यूट्रिकुलेरिया को कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया इज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एक सैप्रोफाइट नहीं है, वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट है, सही है, ऑरोबैंक की पैरासाइट है, बिल्कुल सही है, ये 12th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कस्कोटाइज है पैरासाइट, सही है, मिसमैस्ट की बात करी गई है, तो आपके लिए फर्स्ट ही राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, रस्ट एंड स्मट डिसीज कॉज्ड बाय किससे, एल्बिओ, एल्बिओ कौन डिसीज करेगा, ये करेगा वाइट रस्ट ऑफ
white rust of crucifer, यानी कि सरसों में ये एल्बी को कैंडिडा करता है. अस्टिलियो को जो डिसीज करता है क्या, लूज स्मट ऑफ, लूज स्मट ऑफ वीट, ये डिसीज करेगा आपके लिए अस्टिलियो. तो जाहिर सी बात है ये रस्ट हो गई और ये स्मट हो गई. तो रस्ट और स्मट ही आपसे पूछी गई, इसके लिए फोर्थ आंसर सही बन जाता है. एल्बी को करेगा, लेकिन दोनों ये रस्ट करेंगे इसलिए ये सही नहीं बनेगा. म्यूकर डिसीज करता नहीं, ठीक है, न्यूरोस्पोरा ऐसा कुछ करता नहीं. तो आपके लिए ओब्वियसली फोर्थ आंसर 100% बनता है. फंचाई ग्रो इन वार्म एंड ड्राई एरिया, वार्म एंड ड्राई एरिया, चूज द राइट ऑप्शन. ठीक है, वार्म नहीं, ड्राई एरिया ये कह के गलत कर दिया. मतलब ये ह्यूमिड एरिया में, कहा जाता है कि 90% तक जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है अगर वो हो तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है. इसलिए बरसात के मौसम में ये अक्सर हमें देखने को, टोड स्टूल एक इनसे अगले टर्म यूज किया, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है. ठीक है, एमेंटिया सीजेरी एक टॉक्सिक फंजाई है और ये कहीं ना कहीं कहा जाता है सीजर जो किंग था उसे टॉक्सिक के फॉर्म में इसी का एमेंटिया सीजेरी का दिया गया. तो टोडस्टूल एक्चुअली कुछ फंगस हैं जो टॉक्सिक फॉर्म में होते हैं. तो आपके लिए फर्स्ट गलत हो रहा है, ए गलत है, बी सही है. तो आपके राइट आंसर बनता है ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट. क्लियर, तो बस यही है. ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट, बी करेक्ट है ना, तो सेकंड इसका राइट आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट फोटो, ये एनसीईआरटी की लाइन से आपको लिखा गया है, कायदे से जब हम पढ़ते हैं क्या कॉन्शियसनेस वहां पर. फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजन ब्रीडर्स बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स, ह्यूमन नहीं प्लांट में करता है. तो आपके लिए आंसर थर्ड बन जाएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी आप खोल के देख लो मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट बायोलॉजी, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बिल्कुल सही है, पृथ्वी पर. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ, क्या शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करते हैं ये जेनेटिक मटीरियल एज डीएनए. तो आपका फर्स्ट आंसर है, बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको डाउट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसे देख सकते हैं. Property of living include as defining property of living with some exception. यहाँ with some exception. तो exception देखो याद रखना. Growth and reproduction are not included as a defining property of livings. While the metabolism include as a defining property without any exception. Metabolism and consciousness include as a defining property with some exception. इसमें third answer हमारा बन जाता है. Next. Currently accepted definition of biological concept of species. ये Ernest Mayr ने दिया है. ये जब biology हम diversity start करते हैं तो Ernest Mayr की biography दी है, हम उसमें इस बात को समझ सकते हैं. ठीक है, next. Cyanobacteria have similar character with green. Green के साथ में cyanobacteria की similarity क्या है? Cell wall same होगी नहीं, chloroplast presence होगा नहीं, सिमिलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है, हाँ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दोनों में ही क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस होगी, तो ऑब्वियसली ये एक सिमिलर फीचर बन जाता है. ठीक है, ऐसे आइसोगैमी मोटाइल, आइसोगैमी हो मोटाइल सेक्स गैमेट्स हो आर फाउंड इन, तो ये कहाँ पाए जाएंगे, बॉल बॉक्स में मोटाइल होंगे, लेकिन यहाँ मोटाइल नहीं है, यहाँ मोटाइल नहीं है. ठीक है, अब यहाँ आइसोगैमीट्स में है, अच्छा जी बॉल बॉक्स में मोटाइल तो है, फ्यूकस में नॉन मोटाइल क्योंकि इसमें नहीं पाए जाते, लेकिन आपके यहाँ दोनों जगह पर प्रेजेंस होते हैं. ठीक है, आइसोगैमस, तो यूलोथ्रिक्स क्लेडोपोरा, क्लेडोपोरा को 12th की एनसीईआरटी में दो ऐसे गैमेट ग्रीन कलर के दिए गए, ये आइसोगैमेट है, एक मेल को शो करता है और एक फीमेल को. तो इस तरीके से थर्ड हमारे लिए आंसर बन जाता है, विच इज नॉट ए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी. एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या नहीं है, ओब्वियसली
यूज एज फूड, यस, यूज इन रिसर्च। रिसर्च में आप देखें तो क्लोरेला में ही सबसे पहले डार्क रिएक्शन का सी3 साइकिल डिस्कवर किया गया था, ठीक है। मैक्सिमम CO2 फिक्सेशन, ऑब्वियसली पीट फॉर्मेशन, ये मॉस का करैक्टर है। किसका करैक्टर है? मॉस, खास तौर से किसे? स्फैग्नम। किसका? स्फैग्नम, जो पीट मॉस के नाम से ही जाना जाता है, उसका करैक्टर माना जाता है। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट ए करैक्टर ऑफ एल्गी, पीट फॉर्मेशन। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ प्लांट हैव द लेस इंपॉर्टेंस टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है। अब सॉइल इरोजन में सबसे कम इंपॉर्टेंस किसका होता? पादपों का समूह मृदा अपक्षरण रोकने में सबसे कम भूमिका होती है। तो मॉस प्लांट, अच्छा मॉस प्लांट, उसके बाद में मॉस, एक्चुअली ब्रायोफाइट का तो ये करेक्टर है कि प्रिवेंट सॉइल इरोजन, है ना। कहा जाता है कि मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स आर डेंसली सर्वाइव ऑन अपर सरफेस ऑफ सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाई डिफरेंट फैक्टर्स लाइक वाटर एंड एयर। तो आपके लिए आंसर क्या बन जाता है इसमें? रेड एंड ब्राउन, ये समुद्र में पाए जाएंगे तो ये सॉइल को क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? पॉसिबल नहीं है, इसलिए सीधा आंसर सेकेंड बनता है। बॉडी और गन ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। फ्लास्क शेप मतलब इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है, तो वो किसका होता है? आर्किगोनियम का होता है, नो डाउट। इसमें फर्स्ट सेकेंड एंथ्रिडियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लब शेप होता है, ऐसा होता है। तो एंथ्रिडियम कुछ इस तरीके से होते हैं, तो ये क्लब शेप है, लेकिन फ्लास्क शेप होती है आर्किगोनियम। तो आपके लिए आंसर बन जाता है सेकेंड। लार्ज पिंटेट कंपाउंड लीव्स विथ अंडरग्राउंड राइजोम, राइजोम भी हो कंपाउंड लीव्स भी हो, तो वो किस में पाई जाएंगी? इक्विसिटम में राइजोम होता है लेकिन पिंडेट लीव्स नहीं होती है। सिलेजिनिला में आपको राइजोम भी नहीं मिलेगा, पिंडेट लीव्स भी नहीं मिलेगी। ड्रायोबडेरिस इज ए फर्म, दिस ये फर्म जो चीज़ होती है उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ कंपाउंड लीव्स तो मिलेगी लेकिन राइजोम आपको नज़र नहीं आएगा साइप्रस में, क्योंकि वहाँ टैप रूट वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरलॉइड रूट्स आर फाउंड इन साइकस विद साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। माइकोराइजा रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पाइनस सीड, बिल्कुल ऑब्लिगेट एसोसिएशन माना गया है। एनसीईआरटी ने लिख रखा है सीड्स ऑफ पाइनस में कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा, ये एनसीईआरटी ने लिख रखा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर राइट, सेकेंड हमारे लिए आंसर सही बन जाता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बिलो, गलत सेलेक्ट करना है। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन लेस नंबर ऑफ कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म, देखो फीमेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है। फीमेल गैमेटोफाइट इसका क्या होता है? ये होता है आपके, ये है, ये इस तरीके से एंटीपोडल है और ये सेंट्रल सेल मान लो, ठीक है। तो यहाँ सेवन सेल, लेकिन आप फीमेल गैमेटोफाइट अगर उसका जिम्नोस्पर्म का देखने जाते हो तो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, किसका? जिम्नोस्पर्म। तो बिल्कुल सही है, इसमें तो मात्र 7 कोशिकाएं हैं लेकिन यहाँ मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है। ये आप देख रहे हो एम्ब्रियो सैक, किसका? एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म का ये आपके लिए फीमेल गैमेट है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि इसमें ये बात सही है। ओव्यूल ऑफ पाइनस बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल, ये भी सही है। सीड ऑफ पाइनस है विंग, बिल्कुल सही है, विंग सीड पाए जाते हैं। ये नीट में क्वेश्चन बन चुका है अभी रिसेंटली, इसमें विंग्स की प्रेजेंस होती है। जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जिम्नोस्पर्म आर जीरोपोटिक प्लांट्स, जीरोपोटिक प्लांट्स आर हाईली अडेप्टेड फॉर मिनिमम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, दे हैव थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा। इसीलिए हमारे लिए फोर्थ आंसर बिल्कुल सही, रॉन्ग आपसे पूछा है, गलत पूछा है, क्लियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर, गलत को चुनना है। वन सेल्ड स्पोरोफाइट हैप्लोडिप्लांटिक, वन सेल्ड स्पोरोफाइट एक्चुअली एल्गी में पाया जाता है, थैलोफाइट का करेक्टर होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मिसमैच्ड है, ये गलत हो रहा है। अच्छा, मोर डेवलप्ड स्पोरोफाइट डिप्लोइड, ठीक है,
जहाँ आपके स्पोरोफाइट होते हैं ज़्यादा डेवलप, जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, उनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है। मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन में होती है, मतलब आपके ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट में होती है। सेप्रोफाइट स्टेज प्रेजेंस बाय ओनली वन जायगोट, जायगोट के जरिए रिप्रेजेंट होती है। तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब ये करेक्टर किसका जा रहा है, ये करेक्टर आपके एल्गी का जा रहा है। ये किसका करेक्टर है, मोस्टली एल्गी, एल्गी में हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। ये तो ये सही है, मतलब आपका फर्स्ट आंसर मिसमैच्ड के फॉर्म में बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, आपको दोनों को सेलेक्ट करना है। होमोस्पोरी कहाँ पाई जाएगी, स्फेग्नम में पाई जाएगी। हेटरोस्पोरी कहाँ पाई जाएगी, सिलेजेनेला में पाई जाएगी। सिंगल पायरिनॉइड इन कप शेप आपके यहाँ पाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात बन गई, तो आपका ए में जा रहा है थर्ड, ए में थर्ड का मतलब है इसमें से आंसर कोई होना चाहिए, और बी में आपका जा रहा है फर्स्ट, बी में फर्स्ट, यानी कि सेकेंड हमारे लिए आंसर सही बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पोर्स मदर सेल्स इज लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट फेज इन प्लांट्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके बाद में क्या बढ़ने जा रहा है, जैसे स्पोर मदर सेल, सपोज ये 2n सेल, अब इसमें होगी मियोसिस, मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, टेट्राड बनेगा, ये चार स्पोर्स फॉर्मेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चार स्पोर्स जो बने हैं वो कैसे हैं, ये n, ठीक है, ये 2n, तो स्पोरोफाइट जो है, मतलब स्पोर मदर सेल लास्ट फेज हो गई ना स्पोरोफाइट की, क्योंकि यहाँ तक स्पोरोफाइट है, यहाँ से गैमेटोफाइट शुरू हो गया है, हैप्लॉइड कंडीशन, सही है। गैमेट्स आर लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट ऑफ प्लांट्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाते हैं तो फिर जाके जायगोट बन जाता है, और फिर ये लास्ट सेल कंसिडर हो गए, तो यानी कि दोनों ही कहीं ना कहीं सही, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट आपके लिए आंसर सही बन जाता है। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट, तो कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल सेसाइल स्मॉल ट्रू लीव्स अरेंज्ड इन, सिंपल सेसाइल ट्रू लीव्स कहाँ अरेंज होंगी, ध्यान दो, ये सिंपल होना चाहिए, आपकी यहाँ पर जो लीव्स होंगी वो कंपाउंड होंगी, ठीक है। ड्रायोपोडेरिस में कंपाउंड लीव्स होती हैं, सिंपल नहीं होती हैं, ठीक है। सिलेजिनेला में सिंपल हो जाएंगी, सेसाइल होंगी, ट्रू लीव्स की बात हो रही है, ट्रू लीव्स, यहाँ स्यूडो लीव्स होंगी, ठीक है। लीव्स तो हो सकती हैं स्फेग्नम में, सेसाइल भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती हैं, लेकिन आपकी ट्रू लीव्स होना चाहिए। ट्रू लीव्स का मतलब है सत्य पत्तियाँ होना चाहिए, तो वो सिलेजिनेला में ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, हाउ मेनी फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको जब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हो तो 12th के एनसीईआरटी जो फर्स्ट लेसन है वहाँ पर ये सब कुछ लिखा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कहाँ होगा, स्पायर वगैरह इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता है, यस। यूलोथ्रिक्स में एक्सटर्नल होता है, क्लेडोफोरा में एक्सटर्नल होता है, मार्केंशिया में इंटरनल होता है, पाइनस में इंटरनल होता है, कारा में इंटरनल होता है, तो फोर ऐसे मेंबर्स आपको दिख रहे हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट डायोसिस प्लांट, ठीक है, एक लिंगाश्री पादप आपको सिलेक्ट करना है, कारा नो, पाइनस नो, बॉलबॉक्स नो, मार्केंशिया इज राइट। नेक्स्ट, एसेक्सुअल स्पोर रिप्रेजेंट एक्सोजीनस, एक्सोजीनस एसेक्सुअल स्पोर्स होना चाहिए, अरेंज ऑन कॉनिडियोपोर, ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब बहुत हाई फाई नहीं है, कॉनिडियोपोर के ऊपर जो अरेंजमेंट होता है, चूंकि एनसीईआरटी बेस इंफॉर्मेशन है इसलिए खास बात हो जाती है, हम 12th के एनसीईआरटी में अगर जाके देखें जो कि डाइवर्सिटी से रिलेटेड है तो वहाँ आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, इन्हें हम नाम देंगे कॉनिडिया, और बिल्कुल एस्कोमाइसिटीज में भी ये बात लिखी है कॉनिडिया आर अरेंज्ड ऑन कॉनिडियोफोर, तो हम इसे कहते हैं कॉनिडियोफोर। क्लियर, तो ये हमारे लिए आंसर बन जाता है कॉनिडिया।
क्लियर। जू स्पोर एक्चुअली एंडोजेनस होते हैं तो इसलिए हो नहीं सकते, बाकी की पॉसिबिलिटीज यहाँ है नहीं। कॉनिडिया आर नॉन मोटाइल, यूनिशेलर एंड मल्टीशेलर, मल्टीशेलर भी हो सकते हैं। मल्टीशेलर कॉनिडिया होते हैं आपके उसमें, एक्चुअली ये एक मेंबर है इस तरीके का, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया में हमें कॉनिडिया मल्टीशेलर देखने को मिलता है। अल्टरनेरिया यहाँ हमें मल्टीशेलर, मल्टीसेल्यूलर ये कॉनिडिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन बाकियों में आप अभी पेनिसिलिन देखा था यूनिशेलर होते हैं, लेकिन ये पाए कहाँ जाएंगे? तो एस्परजिलस में हो सकते हैं, एग्रीगस में तो पाई ही नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्रीगस इज ए मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटी और बेसिडियोमाइसिटी में सेक्सुअल स्पोर्स होते नहीं। पक्षिनिया ग्रेमिनिस ये बेसिडियोमाइसिटी का मेंबर है, इस म्यूकर में एक्चुअली एंडोस्पोर बनते हैं जिसे स्पोरेंजियोस्पोर के नाम से जानते हैं, नॉन मोटाइल फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, आंसर हमारा फर्स्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल स्पोर्स रिप्रेजेंट एंडोजीनस ऑरिजिन, एंडोजीनस ऑरिजिन कौन सो करेगा? ये एक्सो सो करेंगे, एक्सो एंडो हमारे इसको स्पोर्स हैं, यही हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, गैमेट्स इन यूरोथ्रिक्स प्रिपेयर बाय फॉलोइंग सेल डिवीजन। तो एक्चुअली यूरोथ्रिक्स जो चीज होती है वो आपके लिए होती है हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड में कभी भी मियोसिस नहीं होगी, तो ऑब्वियसली माइटोसिस आपको देखने को मिलेगा, माइटोसिस से ही यहाँ पर इसके गैमेट में फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज इस बात से हो जाते हैं कि गैमेट की बात हो रही है, स्पोर्स मतलब सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो मियोसिस हो नहीं, हैप्लॉइड जो सेल होती है, हैप्लॉइड जो प्लांट होते हैं उनमें गैमेट माइटोसिस से ही बनते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आपके पैरामीशियम में ऐसा कुछ होता नहीं है, युग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल है, डायटम में ट्रांसवर्स होता है, एक डायटम की सेल है ऐसे, ये डिवाइड हो जाएगी दो, इसके एपिथीका हाइपोथीका अलग अलग हो जाएंगे और फाइनल इसमें कहीं ना कहीं एपिथीका यहाँ जनरेट हो जाएगा और हाइपोथीका यहाँ जनरेट हो जाएगा, तो इसीलिए ट्रांसवर्स जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, होमोगेमी और आइसोगेमी रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग एल्गी, होमोगेमी या आइसोगेमी हमें कहाँ मिलेगी? आइसोगेमी एक तो क्लेडोपोरा में आपको मिलती है, क्लेडोपोरा के जो गैमेट्स होते हैं वो आइसोगेमेट्स होते हैं ऐसे, और दूसरा स्पायरोगायरा में भी मिलती है। स्पायरोगायरा में एक्चुअली क्या होता है, दो फिलामेंट पास पास आ जाते हैं इस तरीके से, और इनमें एक एक जो गैमेट बनता है नॉन मोटाइल फॉर्म में इसके अंदर बन जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि दोनों में ही आइसोगैमी है। यहाँ मोटाइल और नॉन मोटाइल का कंसेप्ट दिया नहीं गया है, और इसीलिए आपके लिए फोर्थ आंसर सही बन जाता है। इज दैट क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल थैलस ऑफ मार्केंसिया इज, मार्केशिया के बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी। आप मार्केशिया के मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों को ध्यान से देखना, उनमें डिफरेंस आपको कहाँ मिलेगा? प्रेजेंस ऑफ गेमा कप नहीं, दोनों में पाया जाएगा। प्रेजेंस ऑफ राइजॉइड, राइजॉइड दोनों में ही यूनिशेलर होंगे, ठीक है। शेप ऑफ डिस्क, देखो ए है मार्केशिया, सपोज दिस इज मेल, तो मेल अगर होगा तो आपका जो डिस्क है वो इस तरीके का होगा, यहाँ डिस्क की शेप देखो, दिस इज मेल गैमेटोफाइट, इज दैट क्लियर? ये, और अगर हम बात करेंगे कहीं ना कहीं आपके फीमेल, फीमेल की बात करोगे तो इस तरीके से रेज के फॉर्म में आपको ये डिस्क देखने को मिलती है, तो ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट हो जाता है, गैमेटोफाइट मींस मार्केशिया, क्लियर। तो ये आप देख रहे हो, इन दोनों में जो डिफरेंसेस आपको यहाँ नजर आ रहे हैं वो डिफरेंस ही वास्तव में शेप ऑफ डिस्क के बेसिस पर डिफरेंसेस है। ब्रांचिंग पैटर्न,
ब्रांचिंग पैटर्न, जिसको डाइकोटोमस ब्रांच ये भी है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है, तो इसमें आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा. थर्ड इज राइट. नेक्स्ट मोटाइल आइसोगेमी, मोटाइल होना चाहिए, ठीक है. मोटाइल आइसोगेमी कहाँ मिली? यहाँ पर नॉन मोटाइल फॉर्म होता है, नॉन मोटाइल. और नॉन मोटाइल अभी अभी स्पायर वगैरह मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ प्रेजेंस होगी, यहाँ प्रेजेंस होगी, तो वन एंड थर्ड राइट आंसर बन जाएगा. मोटाइल भी होना चाहिए एंड आइसोगेमी भी होना चाहिए. फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में नॉट स्टडीड इन फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. आप कहाँ फ्रेगमेंटेशन की स्टडी नहीं कर सकते हो? एनसीईआरटी में जहाँ पर रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है डाइवर्सिटी के अंदर, वहाँ लिखा प्रोटोनिमा ऑफ मॉस रिप्रेजेंट फ्रेगमेंटेशन. एल्गी में होगा, फंजाई में होगा, पाइनस में नहीं होगा फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस. लूज स्मट डिसीज ऑफ वीट कॉज्ड बाय ऑब्वियसली अस्टिलेगो, इससे होती है लूज स्मट ऑफ वीट डिसीज, हमें याद रखना चाहिए, एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है. सिट्रस कैंकर डिसीज इज कॉज्ड बाय फंजाई बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, तो बैक्टीरिया के जरिए ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस हमें देखने को मिलती है. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायनियर ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑन बेयर रॉक्स, तो ये लाइकेन के रेस्पेक्ट में बात होती है. लाइकेन इंक्लूड एज ए पायनियर प्लांट इन जीरो सीरी, दे मे प्रिपेयर लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल ऑन अपर सरफेस ऑफ बेयर रॉक्स, ठीक है. तो आंसर आपका फर्स्ट बन जाता है. नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस एम इट्स करेक्टर एंड इट्स क्लास आर नॉट करेक्टली मैच्ड वेयर द रिमेनिंग थ्री आर करेक्टली मैच्ड, बाकी सब करेक्टली मैच्ड हैं. आपको देखना है कि किस तरीके से कौन मैच नहीं है. अल्टरनेडिया अब्सेंट सही है, डिटोरमाइसिटी ये सही है, आपका न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज में आता है, एंडोजीनस एस्कोस्पोर है, ट्रफल्स ये एस्कोमाइसिटीज में आते हैं लेकिन बेसिलोमाइसिटी लिखा है, आपका आंसर यही है. एल्बिगो पाइकोमाइसिटीज में आता है, सही बात है, सीनोसेटिक कंडीशन होती है, तो आपका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट स्टडी द गिवन, देखो आपको यहाँ इस डायग्राम को देखना चाहिए जो मैंने आपको बॉल बॉक्स रेस्पेक्ट में बताया भी था, तो ये यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं. दिस इज कॉल्ड डॉटर कॉलोनी, क्या ये एक DAUGSTR ये डॉटर कॉलोनी है, और ये डॉटर कॉलोनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, हालांकि उसका कनेक्शन यहाँ नहीं, लेकिन डायग्राम में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है. तो आप देखें, स्टडी द फॉलोइंग एल्गी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नेम ऑफ एल्गी क्या है? ऑब्वियसली बॉल बॉक्स है, तो लो भाई आपका आंसर तो यहीं से मिल रहा, स्टार्ट हो गया. पूगेमस होगा, क्लोरोफाइसी होगी, स्टार्च इसका फूड मटेरियल होगा, ठीक है. तो सेकेंड इज राइट. नेक्स्ट होमोस्पोरी प्लांट प्रोड्यूस, होमोस्पोरस प्लांट प्रोड्यूस, क्या होमोस्पोरी में क्या होगी? देखो होमोस्पोरी जैसे एक्विसिटम में हमें देखने को मिलती है ना, आपको लाइकोपोडियम में देखने को मिलती है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक्चुअली ये दोनों जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन है उनकी प्रेजेंस एक ही पर होगी, मतलब द्विलिंगाश्री युग्म को भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों एक ही पर देखने को मिलेंगे. एक्चुअली इक्विसिटम में अगर हम बात करें तो इक्विसिटम का जो प्रोथेलस है वो इस तरीके का होता है, यहाँ पर इसमें आर्किगोनियम की प्रेजेंस होती है, इस जगह ये आर्किगोनियम होते हैं और इन पॉइंट्स पर एंथेरिडियम की प्रेजेंस होती है, तो ये एंथेरिडियम हो गया, एंथेरिडियम यहाँ और यहाँ पर आपके हो गए आर्किगोनियम ये, एंड दिस इज प्रोथेलस, प्रोथेलस एंड दिस रेस्टोरेंट इन बोथ सेक्स ऑर्गन, ठीक है. और इसका फॉर्मेशन किससे होता है? एक तरीके के स्पोर्स आते हैं और वो जर्मिनेट होकर प्रोथेलस का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो इसीलिए द्विलिंगाश्री युग्मकोदित मोनोइशियस गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है. और ये खास तौर से कहाँ मिलेगा? इक्विसिटम,
इक्विसिटम में आप इसे स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट के लिए करेक्ट सेलेक्ट करना है. देयर स्पोरोफाइट जनरेशन इज स्मॉलर देन गैमेटोफाइट एंड इज जनरली पैरासाइट. स्पोरोफाइट ऑब्वियसली ब्रायोफाइट है तो गैमेटोफाइट डोमिनेटेड कंडीशन में होगी. स्पोरोफाइट इसकी कहीं ना कहीं पार्शियली पैरासाइट टर्म यूज किया जाता है तो सही है. मियोसिस टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, तो एक्चुअली इनमें स्पोर्स बनेंगे. गैमेट मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस नहीं है, स्पोरिक मियोसिस है. देयर रूट फंक्शन फॉर बोथ कंडक्शन एंड सपोर्ट. तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है. ठीक है, ओके. अब आपके लिए आता है देयर गैमेटोफाइट जनरेशन इज द डोमिनेटेड फेज. गैमेटोफाइट डोमिनेटेड नहीं होती. इन दोनों टर्म पर देखो तो ये गलत हो जाता है. मतलब आपका जो करेक्ट है वो फर्स्ट ही जाएगा. नेक्स्ट, मोसेस अलोंग विथ आर द टू कॉलोनाइज्ड रॉक हैज द ग्रेट इम्पोर्टेंस हियर. ए बी सी क्या है? मतलब इसमें कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जीरो सीरीज में जो सक्सेशन के प्रोसेस है उसको बताया जा रहा है. ठीक है, तो मॉस किसके साथ? लाइकेन के साथ, है ना. द फर्स्ट टू कॉलोनाइज, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज इकोनॉमिकली नहीं, इकोलॉजिकल. ये इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट. तभी तो कहते हैं कि ब्रायोफाइट का अगर कोई फंक्शन आपसे पूछा जाता है और उसमें दिया है कि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्रायोफाइट और वहां पर दिखा है ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो आप बिना सोचे समझे उसको आंसर लगा सकते हो, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. ठीक है, नेक्स्ट, लिवरवर्ट रिजेम्बल ग्रीन एल्गी. लिवरवर्ट से ग्रीन एल्गी से कैसे रिजेम्बलेंस करते हैं? डिफरेंशिएटेड ऑन द प्लांट बॉडी इनटू रूट स्टेम, रूट स्टेम एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये गलत हो गया. ठीक है, थैलस लाइक प्लांट बॉडी सही है. लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू सही है. एब्सेंस ऑफ रूट बिल्कुल सही है. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये सही जा रहा है. थैलस लाइक प्लांट बॉडी प्रेजेंस रूट्स, रूट्स दोनों में नहीं होंगी. फिलामेंटर बॉडी प्रेजेंस इन वैस्कुलर, वैस्कुलर टिश्यू दोनों में ही नहीं होंगे. तो आपके लिए जो राइट बन रहा है सेकेंड है, सेकेंड सही है. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल के लिए करेक्ट आपको सेलेक्ट करना है. देखो, ब्रायोफाइट में एक्चुअली गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट है. स्पोरोफाइट में कैप्सूल बनेगा, कैप्सूल में मियोसिस के जरिए हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे. हैप्लॉइड स्पोर्स मॉस के हैं तो सबसे पहले प्रोटोनिमा बनेंगे. प्रोटोनिमा से फिर लीफी गैमेटोफाइट बनेगा. लीफी गैमेटोफाइट पर फिर गैमेट बनेंगे. गैमेट में फिर फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन से फिर एम्ब्रियो बनेगा. तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना होता है. तो गैमेट सबसे पहले स्पोर्स जर्मिनेशन कर दो. ठीक है, सबसे पहले यही से कहानी शुरू होगी. उसके बाद में गैमेटोफाइट बनेगा. तो गैमेटोफाइट ये बन गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड पर, ये हो गया और फिर आपके गैमेट बनेंगे. देन फर्टिलाइजेशन होगा, देन आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. तो आपके लिए कहा जा रहा है फर्स्ट देन थर्ड, फर्स्ट देन थर्ड, फर्स्ट देन थर्ड यही आ रहा है. तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट आंसर ये बन रहा है. बाकियों में ऐसा कुछ है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इनकरेक्ट अबाउट बैक्टीरियल पिलाई. बैक्टीरियाटिक जो पिलाई है, जीवाणुविक पिलाई है, उनके लिए सही नहीं है. They are made up of plain protein, बिल्कुल सही है. Shorter than flagella. कहा जाता है कि जब normal condition होती है तब पिलाई flagella से छोटे होते हैं. ठीक है, कहा जाता है 2 mu m के होते हैं. लेकिन जब active condition में आते हैं तो flagella से कई गुना ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, लेकिन 18 mu m तक लंबे हो जाते हैं. तो जो normal condition में वहाँ shorter than flagella, बिल्कुल सही है. They have been genetic recombination. क्योंकि जब कॉन्जुगेशन प्रोसेस होती है, यहाँ दो बैक्टीरिया आपस में कनेक्ट होते हैं, तब कहीं ना कहीं इसमें एक ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है. कॉन्जू
लोकेशन ये गेशन ट्यूब, और ये ट्यूब एक्चुअली बनाई जाती है पिलाई के जरिए, ये एक्चुअली पिलाई है, ये पिलाई के जरिए बनाई जाती है। और इस तरीके से हम देखें तो ये आपके कॉन्जुगेशन डीएनए के ट्रांसफर में हेल्प करता है। यहाँ से यहाँ जो एफ पॉजिटिव होता है उससे एफ नेगेटिव की ओर ये ट्रांसफर होता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। मूवमेंट देखो ये बात बिल्कुल है, एनसीईआरटी ने कई क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेमिंग फ्रेम किए कि लोकोमोशन में सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा तो वो बैक्टीरिया फ्लैजेला करेगा, बाकी कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग पेयर। ठीक है, चूज द करेक्ट पेयर, सही पेयर को सिलेक्ट करना। दैट आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल सही है। डायनोफ्लेजर डिप्लॉयड बॉडी नहीं, स्लाइम मोल्ड स्पोर्स हैव ट्रू वॉल बिल्कुल सही है, सेल्यूलोज की बनी होती है। यूक्रिनॉइड सेल्यूलोज सेल वॉल नहीं, प्रोटोजोन यूनिसेलुलर यूकेरियोट बिल्कुल सही। तो ए सी ई आपका आंसर हो रहा है, ए सी थर्ड इज राइट। नेक्स्ट चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम फॉलोइंग, इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है, गलत को असत्य को चुनना है। फाइब्रोमाइसिटिस राइजोपस सही है, एस्कोमाइसिटिस एस्पोरेरिस सही है, बेसिडोमाइसिटिस अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया एक्चुअली डिटोडोमाइसिटिस का मेंबर है, ये फोर्थ सही है। मतलब आपका राइट आंसर जो बनना है वो थर्ड। नेक्स्ट रेड एल्गी डिफर फ्रॉम द ब्राउन एल्गी इन हैविंग, क्या इनके अंदर होता है। ठीक है, तो दोनों में क्या वेरिएशन, दोनों में क्लोरोफिल ए होगा, एक्वाटिक मीडियम में होते हैं, सेलुलोज सेल वॉल में होता है। देखो एक्चुअली याद रखना कि जो जितनी भी एल्गी होती है चाहे वो ग्रीन हो रेड हो चाहे ब्राउन हो, इनकी जो इनर वॉल होती है वो हमेशा सेलुलोज की बनी होती है। ये बात सही है कि आउटर वॉल में वेरिएशन आपको मिल जाएंगे, जैसे ग्रीन पैक्टोज की बनी है आपके, रेड कैराजिनिन की बनी है, ब्राउन आपके एल्जिन हाइड्रोकोलाइड की बनी है। रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल, तो दोनों नॉन मोटाइल से नहीं होंगे, यहाँ मोटाइल होंगे और यहाँ नॉन मोटाइल होंगे, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं डिफरेंस है जिसके बेसिस पर ये दोनों एक दूसरे से डिफर कर जाते हैं। ठीक है, फोर्थ इसका राइट आंसर हम मानते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजिना एंड सोलेनम नाइग्रम रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेंगे। दे ऑल आर स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जीनस, डिफरेंट जीनस नहीं है। ठीक है, सोलेनम इज ए नेम ऑफ स्पाइसेस व्हाइल ट्यूबरोसम रिप्रेजेंट वैरायटी, ये नहीं है। दे ऑल मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज नहीं, जीनस सेम जीनस के हैं। इसमें जो आपके लिए सोलेनम है यहाँ यहाँ यहाँ, ये सेम जीनस है जिसमें अदर अदर स्पीसीज आके कनेक्ट हो रही हैं। फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट स्टोर्ड फूड ऑफ फाइको फियोफाइसी, फियोफाइसी में आपका जो फूड होता है वो क्या होगा, वो लेमिनेरिन स्टार्च कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये लेमिनेरिया इसका मेंबर है। नेक्स्ट विच फंगस इज यूज्ड मोस्ट एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, एनसीईआरटी ने लिख रखा है, तो यहाँ पर आपके लिए न्यूरोस्पोरा आता है। तो कहा जाता है कि डॉज करके साइंटिस्ट हुए हैं, डॉज ने न्यूरोस्पोरा के अंदर डिस्कवरी की है, किसकी, क्रॉसिंग ओवर की। इसलिए एक हिंदी के एनसीईआरटी में अभी भी लिखा हुआ है कि न्यूरोस्पोरा इज इंक्लूड एज ए ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला कहने के पीछे वजह क्या है कि ड्रोसोफिला में सबसे पहले एनिमल्स के अंदर लिंकेज खोजा गया था, लेकिन यहाँ प्लांट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको ये जो लिंकेज मिला था ये न्यूरोस्पोरा में मिला था, तो इसीलिए आपकी ये थर्ड सही। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स, एल्गल ब्लूम लाइक, दोनों ही एनसीईआरटी के टर्म हैं, इनमें सिमिलरिटीज आपको क्या नजर आती है। बोथ आर पॉल्यूशन इंडिकेटर बिल्कुल सही है, बोथ में सीन इन वाटर, क्योंकि लाइकेन आपको वाटर में नहीं मिलेगा, टेरेस्ट्रियल में आपको एल्गल ब्लूम नहीं मिलेगी। बोथ आर रिलेट विद पैरासिटिक फंजाई, ऐसा भी नहीं है,
यहाँ पंजाई से कोई लेना देना नहीं है एल्गल ब्लूम में, लेकिन हाँ पॉल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है कि जिस वाटर के अंदर, वाटर सोर्स के अंदर एल्गल ब्लूम रिच अमाउंट में होते हैं, मीन्स रिप्रेजेंट मैक्सिमम वाटर पॉल्यूशन। और ये लाइकेन याद करो SO2 के लिए सेंसिटिव है एयर पॉल्यूशन के लिए। अगर इन्वायरमेंट में SO2 का पॉल्यूशन होगा तो वहाँ आपके SO2 का भी सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। वायरस का लिविंग कैरेक्टर क्या नहीं है? वायरस है प्रोटीन, बिल्कुल, न्यूक्लिक एसिड है कैरेक्टर, वायरस रेप्लिकेट, वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात सही है कि इन विट्रो मीडियम में करते हैं, इन वीवो मीडियम में करते हैं, लिविंग मीडियम में करते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म इन वायरस, सही है, ये इनका लिविंग कैरेक्टर नहीं है, ये इनका नॉन लिविंग कैरेक्टर जा रहा है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी कहीं ना कहीं लिविंग का कैरेक्टर है, मतलब एक पर्टिकुलर वायरस एक पर्टिकुलर होस्ट पर ही इन्फेक्शन शो करता है। आपके लिए इसमें थर्ड आंसर सही माना जाएगा, क्लियर। फॉलोइंग एल्गी यूज एज फूड, फाउंड इन मैराइन वाटर। मैराइन वाटर में एल्गी एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर कर लिखा है, जहां पर एल्गी का हमने लास्ट में पढ़ते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो उसमें सार्गासम और आपका पोरफायरा है ना, लेमिनेरी, तीन शब्द लिखे गए। तो क्लोरेला एक्चुअली मैराइन में नहीं होता, फ्रेश वाटर में होता है, इसीलिए ये गलत हो रहा है, क्लोरेला फिर नहीं होगा, ये फ्रेश वाटर का है, हम मैराइन की बात कर रहे हैं, तो आपका सेकेंड सही आंसर बन जाता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरली फ्लोरिडिन स्टार्च इज वेरी सिमिलर, ये सब एनसीईआरटी का है, याद रखना, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही हो जाएंगे, फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट, एल्जिन एंड केराटिन आर हाइड्रोकोलॉइड और वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, एल्जिन प्रेजेंस इन फॉलोइंग, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोकोलॉइड एक्चुअली क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, अगार अगार जो है वो भी एक तरीके का हाइड्रोकोलॉइड है। तो आप देखें यहाँ पर एल्जिन की प्रेजेंस कहाँ होगी, ब्राउन एल्गी के अंदर, कहाँ, ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, 114 में अगर अपन जाएं तो ऑब्वियसली फ्यूकस इज ए मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी, ठीक है। कारा ग्रीन एल्गी का मेंबर है, ठीक है। पॉलीसेफोनिया आपका रेड एल्गी है, जेलिडियम ग्रिसलेरिया रेड एल्गी है, तो आपका फर्स्ट आंसर बन जाता है एल्जिन, वहीं प्रेजेंस। नेक्स्ट, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर पाइलमा, ये अच्छा है, फिर से एक बार हम क्लेमाइडोमोनास को समझना चाहेंगे। क्लेमाइडोमोनास में इस तरीके से ये फ्लैजेला होता है, अब यहाँ पर आपको एक कप सेट ये फॉर्म हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली इसमें एक स्टार्च की सीथ आउटर सरफेस पर नजर आती है, ठीक है। अब हमें इसके अंदर दिखते हैं प्रोटीन ग्रेन, ठीक है, ये इस तरीके से। अब आप देखो तो ये कौन है, स्टार्च सीथ, आप इसे ध्यान से देखना, ठीक है। और ये है प्रोटीन, प्रोटीन ग्रेन्यूल, ठीक है, दिस इज प्रोटीन। और इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पाइरिनोइड, पाइरिनोइड। और ये ग्रीन एल्गी में खास तौर से प्रेजेंस होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट, कप शेप क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये है कौन, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये क्लेमाइडोमोनास। तो पाइरिनोइड कंटेन क्या, प्रोटीन इन सेंटर, सेंटर में प्रोटीन है, ये बात ठीक है। पाइरिनोइड कंटेन स्टार्च इन सेंटर, नो, ठीक है, तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। पाइरिनोइड कंटेन स्टार्च ऑन पेरिफेरल, सही है। पाइरिनोइड फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी, ये भी सही है, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास कहीं ना कहीं ग्रीन एल्गी में कंसिडर किया जाता है, ये बात अलग है कि क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास रिसेंटली स्टडीड इन किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ऐसे
नेक्स्ट फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक ए सर्व एज क्विक रेफरल. क्विक रेफरल इस चीज को याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. हर्बेरियम जहां पढ़ते हो वहां पर बिल्कुल लास्ट की लाइन में यही है क्विक रेफरल. इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आप म्यूजियम देखते हो, जूलॉजिकल पार्क देखते हो, बॉटनिकल गार्डन देखते हो, ये सब चीजें देखते हो, तो एक स्टूडेंट को सबसे पहले या शॉर्ट टाइम में या सबसे कम समय में आप किस टैक्सोनॉमिक एड की मदद से एक ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हो. तो हर्बेरियम सीट सबसे पहले सबसे जल्दी एक बच्चे को समझाई जा सकती है. सोचो आप एक जू के अंदर टैक्सोनॉमी समझाने के लिए बच्चों को ले जाते हो तो कम से कम एक दिन का समय लगता है, लेकिन हर्बेरियम सीट लाने में मात्र 5-10 मिनट लगते हैं. तो इसीलिए क्विक रेफरल टर्म इसी सेंस में एनसीईआरटी ने यूज किया है. ठीक है, यस. नेक्स्ट सिमिलर फीचर ऑफ ट्रेडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म और ट्रेडोफाइट का सिमिलर फीचर क्या है? बोथ हैव एंथ्रिडियम. तो एंथ्रिडियम यहाँ तो होंगे लेकिन यहाँ एंथ्रिडियम नहीं होंगे. ठीक है, बोथ हैव आर्किगोनियम एज फीमेल सेक्स ऑर्गेन. याद रहे आर्किगोनियम आपके जिम्नोस्पर्म में भी पाए जाते हैं. जैसे मैं आपको सिंपल वे में समझाऊँ तो ये उसका ओव्यूल है. ठीक है, ऐसे अब इसमें यहाँ होता है फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, अब यहाँ इसके होते हैं आर्किगोनियम कुछ इस तरीके से. तो ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट. क्लियर, ये है क्या फीमेल गैमेटोफाइट और ये हो जाते हैं इसके आर्किगोनियम. ये आर्किगोनियम प्रेजेंस है. ठीक है, आर्किगोनियम ये ओव्यूल है. किसका? ये ओव्यूल है हमारे ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म. ठीक है, तो आर्किगोनियम तो कहने का मतलब है जिम्नोस्पर्म में भी आपको ये आर्किगोनियम मिल जाएंगे. ऑब्वियसली ट्रिडोफाइट में तो खासतौर से मिलते हैं. ओव्यूल, ओव्यूल के लिए कहा जाता है तो ओव्यूल यहाँ नहीं होंगे. बोथ हैव फ्लावर एंड फ्रूट, तो दोनों में ही नहीं होते हैं, होते ही नहीं, जबकि कहा है कि दोनों में होते हैं. तो आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तो ऑलरेडी गलत है. तो सेकेंड आपका 100% दोनों में आर्किगोनियम मादा प्रजनन अंग के रूप में उपस्थित. सेकेंड बिल्कुल सही आंसर है. नेक्स्ट सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर गिवन बिलो. आपको गलत सेलेक्ट करना है. स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वॉल्फिया बिल्कुल सही है. टॉलेस्ट प्लांट सेकोइया. एनसीईआरटी में लिखा है जिम्नोस्पर्म वाले हिस्से में. टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में फाइकस बेंगालेंसिस नहीं आता, ये ब्रॉडेस्ट है. टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज यूकेलिप्टस, रिप्रेजेंट अबाउट 100 मीटर लेंथ. ठीक है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है. डाइवर्सिटी के लास्ट स्टेज में जहाँ एंजियोस्पर्म पढ़ाया जाए. वॉल्फिया एक एक्वाटिक है, बिल्कुल सही है. तो आपका ये थर्ड आंसर सही बन जाता है. नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग टर्म. ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है. ये तीनों ही टर्म एनसीईआरटी में दिए गए हैं. लैग हीमोग्लोबिन बैक्टीरिया में प्रेजेंस होता है, खास तौर से लैग हीमोग्लोबिन जहाँ रूट नोड्यूल होते हैं, बैक्टीरियल सिंबायोसिस रिलेशनशिप होता है लेग्यूमिनस प्लांट में. ठीक है, इसमें तीन शब्द हैं. लैग मतलब लेग्यूमिनस, हीम मतलब हीम पार्ट, ग्लोबिन इज ए प्रोटीन. ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पर रूट नोड्यूल में पाए जाते हैं. लेकिन याद रहे इनका भी कलर पिंक गुलाबी है ना. मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो है आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हो तो आप जब मसल्स की स्टडी करते हो, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और सब चीज़ें, तो मसल्स में ये मायोग्लोबिन पाया जाता है और ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है. हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. ठीक है, अब आप टर्म रिप्रेजेंट सिमिलरिटी, समानता आप इनके देखिए. ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट सब नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट सिर्फ आपका हीमोग्लोबिन कर सकता है. स्टोरेज ऑफ फूड, तो स्टोरेज आपका ये करेगा. ठीक है, कलर ऑफ पिगमेंट, सबके कलर कहे जाते हैं कि ये पिंक कलर होते हैं, पिंक या रेड कलर होते हैं. ठीक है, पिंक या फिर रेड, तो ये कलर सबके मैच हो जाते हैं. प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में भी नहीं, कैसे? ये आपके लेग्यूमिनस प्लांट में मिलेंगे, ये आपके एनिमल में मिलेंगे. हीमोग्लोबिन आपको एनिमल में मिलेगा, सेम ऑर्गेनिज्म में ये तीनों पिगमेंट
प्रेजेंट नहीं होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि ये क्वेश्चन काफी अच्छा है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट रूट इज स्पेसिफिक जेनरा हैव द फंगल एसोसिएशन। ऐसे कौन से रूट हैं जिनमें फंगल एसोसिएशन आपको देखने को मिलता है, जिसे हम माइकोराइजा के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, तो वो आपके लिए है पाइनस। नेक्स्ट, मेल गैमेटोफाइट ऑफ फॉलोइंग प्लांट कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ सेट। किसके मेल गैमेट में, गैमेटोफाइट में सबसे कम, हम मेल गैमेटोफाइट का मतलब पोलन ग्रेन को मानते हैं। ठीक है, तो आप देखें जैसे जिम्नोस्पर्म को ले लो, हाँ ट्रिलोफाइट में तो बहुत सारे होंगे, इसमें हम कोई बात नहीं करना चाहेंगे। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो जिम्नोस्पर्म में कहा जाता है जो पाइनस का मेल गैमेटोफाइट होता है उसमें 4 सेल स्टेज होती है। इसमें ये पाइनस का मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, ये है पाइनस, इसमें होती है 4 सेल। ठीक है, अब अगर आप साइकस की बात की जाए तो इसमें होती है 3 सेल, तो ये साइकस है, इसमें हो गई आपकी 3 सेल। ठीक है, लेकिन जब हम एंजियोस्पर्म में आते हैं तो एनसीईआरटी ने क्लियर कट लिख रखा कि अबाउट 60% प्लांट रिलीज देयर पोलन ग्रेन एट 2 सेल स्टेज। जाहिर सी बात है कि हम जब एंजियोस्पर्म में आते हैं तो आपको एक जनरेटिव सेल मिलती है और एक वेजिटेटिव सेल मिलती है, कोई भी एंजियोस्पर्म को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी हो गई 2 सेल, तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे कम मींस मेल गैमेटोफाइट ऑफ कंटेंट मिनिमम नंबर ऑफ सेल, तो मिनिमम आपके एंजियोस्पर्म में ही होगा क्योंकि वहां पर आपके 2 सेल स्टेज होता है। ड्रायोफाइट में तो बहुत सारे सेल्स होंगे, हजारों की संख्या में होंगे। ठीक है, जैसे सिलेजिनेला में हम कंसीडर करें तो यहाँ 13 सेल होती है। सिलेजिनेला का जो मेल गैमेटोफाइट बाहर जब निकलता है, एक होती है इसमें प्रोथैलस, ठीक है, बाकी ये होती है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 है ना, दे आर जैकेट सेल, है ना। इसके बाद में इसमें जो 4 होती हैं वो होती हैं आपके लिए एंड्रोगोनियल सेल। ठीक है, तो 1, 8 मतलब 9 एंड 4 13, इस तरीके से 13 सेल स्टेज में ये बाहर आता है, तो ऑब्वियसली आपका राइट आंसर एंजियोस्पर्म बनेगा अकॉर्डिंग टू मी। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, मोस्ट प्लांट हैव मल्टी सेलर एंड अनब्रांच राइजॉइड। मोस्ट प्लांट में मल्टी सेलर होते हैं, अनब्रांच्ड इसलिए शब्द कह दिया जबकि वहां पर ब्रांच स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, द मॉस हैव एन एलैबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मॉस का जो स्पोरोफाइट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, लाइक दिस। यहाँ इसका फुट है और ये गैमेटोफाइट है ना, तो ये जो चीज आप देख रहे हो इसमें पाए जाते हैं स्टोमियम, यहाँ होता है कॉलोमेला। ठीक है, ये ऐसा कॉलोमेला, ठीक है, इस जगह पाए जाते हैं इसके स्पोर्स, यहाँ यहाँ पर आपके स्पोर्स प्रेजेंस होते हैं, तो इसमें मोर एबोरेटिव मैकेनिज्म होती है। कहा जाता है कि ये कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से रिमूव हो जाता है, जैसे ये रिमूव हो जाता है। अब जब एक बार रिमूव हो जाता है तो ये स्पोर्स फिर यहाँ से बाहर स्टार्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये जो कॉलोमेला है इसे हम कहते हैं कॉलोमेला, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। जब वहाँ से एपोपाइसिस रिमूव हो जाता है तो अल्टीमेटली ये हाइग्रोस्कोपिक है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को जब एब्जॉर्ब करता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो इस पर एक प्रेशर बनता है। ये है स्पोर सैक, स्पोर सैक माने जाते हैं, और यहाँ से स्पोर्स बाहर की तरफ चले जाते हैं, तो मॉस है एलिबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, बिल्कुल सही है। ये आपके लिए गलत हो गया, तो बी करेक्ट है, ए रॉन्ग है, सेकेंड हमारे लिए राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, विच इज डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट। एल्गी एंड ब्रायोफाइट में क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, ब्रायोफाइट एंड एल्गी में डिफरेंसेस हमें देखना है, शैवाल ब्रायोफाइटिक में अंतर हमें समझना। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बोथ आर बोथ रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन।
स्टराइल जैकेट ऑन सेक्स वर्कर। देखो ये जो चीज़ है ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। नॉर्मली जो आपके गैमेट्स बने थे यूरोथ्रिक्स नहीं देखे तो वो गैमेट्स आपके बने हैं यूनिशल, इन पर कोई स्टराइल जैकेट नहीं। ये यूरोथ्रिक्स हो गया, मतलब ये आपकी एल्गी हो गई। क्या हो गई? हम एल्गी को कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज एल्गी, क्लियर? यूरोथ्रिक्स मान लो आप। लेकिन जब ब्रायोफाइट में आप आओगे तो ब्रायोफाइट के अंदर ये आपके यहाँ इस तरीके की एक आर्किगोनियम देखने को मिलती है और इसमें आपके नेक कैनाल सेल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ इसमें ये होती है नेक सेल, मतलब इसमें एक स्टराइल जैकेट आपको नजर आती है कहीं ना कहीं इस तरीके से। और यहाँ एक होती है आपके लिए वेंटर जो ट्रायंगुलर होती है और ये एक होता है एग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इसे कहते हैं हम स्टराइल जैकेट। क्या कहते हैं? स्टराइल जैकेट। और ये कौन है? ये है आर्किगोनियम। कौन है? आर्किगोनियम, ठीक है। तो ये आर्किगोनियम है, इस पर स्टराइल जैकेट है, लेकिन एल्गी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली ये एक डिफरेंस बहुत अच्छे से आपको नज़र आना चाहिए। पिगमेंट, पिगमेंट की बात करी जाए तो इन दोनों में ही क्लोरोफिल ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, कैरोटीन मिल जाएगा, जंतुफिल मिल जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बोथ आर ऑटोट्रॉफिक। तो आपके लिए बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है और सेकेंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, विंग्ड पोलन ग्रीन एंड विंग्ड सीड। एक्चुअली यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये क्वेश्चन चूंकि नीट में क्वेश्चन बन चुका है तो इसीलिए हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा खास हो जाता है। ऐसे विंग्ड पोलन ग्रीन फाउंड इन पाइनस, ठीक है, ये पाइनस में फोर सेल स्टेज हो गई। ऐसे तो पोलन ग्रीन ऑफ पाइनस, पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस, क्लियर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है जिस पर हमने दो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। यहाँ पर हम देखें तो ये पाइनस के दो सीड, क्लियर, पाइनस के ये सीड। अब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरीके से इसमें विंग्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से हमें विंग्स का फॉर्मेशन मिलेगा, तो ये इस तरीके से लाइक दिस, ये इस तरीके से हमें ये सीड के ऊपर भी विंग्स मिलते हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़, जब विंग्स आपके पोलन ग्रेन पर पूछे जा चुके हैं तो सीड पर क्यों ना पूछे जाए। तो ये है आपके लिए सीड और ये क्या है, ये आपका विंग्स ऑफ सीड, विंग ऑफ सीड, ये सीड के विंग्स है। तो विंग्ड सीड भी होते हैं और विंग पोलन ग्रेन्स भी होते हैं और दिस इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ स्पाइन्स। नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक्चुअली क्या है, डाइवर्सिटी में जहाँ एंजियोस्पर्म आपको पढ़ाया है वहाँ एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट का प्लांट दिया है, वही प्लांट है ये आपके लिए। हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट आर राइट फॉर गिवन फीचर्स। इट इज ए डाइकॉट प्लांट, आप देख सकते हो इसके लीव्स में आपको रेटिकुलेट वेनेशन नजर आ रहा है, मीन्स दिस इज डाइकॉट, नो डाउट, ये सही है। फिर आते हैं इसके लिए, इसमें क्या है, इट रिप्रेजेंट कैपिटुलम। देखो इस चीज को ध्यान से देखो, ये आपको कहीं ना कहीं सनफ्लावर की तरह दिखाई दे रहा है, कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस इसी को बोलते हैं, तो ये सही हो जाता है। कंटेन डेप्लोइड, जब कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस है कैपिटुलम पाया जाता है कंपोजिटी में, किसमें, कंपोजिटी, कंपोजिटी फैमिली का यूनिक कैरेक्टर होता है, तो इसीलिए इसमें डेप्लोइड भी होंगे, डिस्प्लोइड भी होंगे, पैरेलल वेनेशन नहीं है और इसमें ट्राइमेरस इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ मोनोकॉट, तो ये नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सही बन रहे हैं, मतलब हाउ मेनी, तीन पूछे गए हैं, मतलब कितने सही हैं, स्टेटमेंट राइट है, तो आपके राइट स्टेटमेंट हो रहे हैं सेकंड, मतलब थ्री आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गिवन टर्म इंक्लूड एज ए स्पीसीज, स्पीसीज के फॉर्म में, ये फिर बिल्कुल एनसीईआरटी में शब्द हैं,
तो डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका इज ए स्पीसीज, ठीक है। आप देखते हो एज ए डायरेक्टा इंडिका है या ये, तो ये स्पीसीज हो गई, इंसेक्टा क्लास है। और एक होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये गेहूं का बॉटनिकल नाम है, ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम, ठीक है। तो ये गेहूं वीट का नाम है, तो ये स्पीसीज हो गई। प्राइमेटा नहीं, ये नहीं। तो आपके लिए डोमेस्टिका, मस्का एक्चुअली जीनस हो जाएगा, इंसेक्टा नो, एस्टिवम यस, प्राइमेटा नो। तो इसका आंसर आपके लिए स्पीसीज, इसमें तीन है, फोर्थ आंसर करेक्ट। अच्छा ये बढ़िया है, इसको जरा ध्यान से देखो। टैक्सोनॉमी के जो इनिशियल पार्ट है वहां से लिया गया है। कार्निवोरा, किसे आप कार्निवोरा ऑर्डर में, ये कौन है ऑर्डर, ऑर्डर, तो आपको किसे सिलेक्ट करना है, ये होना चाहिए फैमिली, क्या होना चाहिए फैमिली, फैमिली को ऑर्डर में आप इंक्लूड कर दो। तो आपके यहाँ कायदे से देखा जाए कोएसी तो एक प्लांट की फैमिली है ना, तो ये नहीं हो सकता। सोलेनेसी प्लांट की फैमिली हो गई, तो दो तो आप इसमें से हटा दो। अब आपकी आती है ये इंसेक्ट की फैमिली है, फैलिडी एंड कैनाइडी, कैनाइडी डॉग, फैलिडी कैट, ये दोनों को कार्निवोरा में रखा गया, ठीक है। तो फैलिस भी आता है, पैंथेरा भी आता है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए थर्ड आंसर करेक्ट बन जाए। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उसी सेगमेंट से लिया गया है। सेलेक्ट राइट ऑप्शन फॉर ए एंड बी अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये सोलेनम जीनस हो गया, इसका मतलब है आपको स्पीसीज चाहिए, ये ऑर्डर हो गया, तो आपको फिर क्लास चाहिए। तो ए में आपके होना चाहिए कोई क्लास, तो सोलेनेसी, ये सोलेनम किसका, डाइकोट का मेंबर, तो डाइकोटिलिडनी आपके सामने है, एक तो यहाँ है एक यहाँ, लेकिन सोलेनम सोलेनेसी फैमिली में आता है, तो आपका फर्स्ट आंसर 100% करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट मिसनेस पेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रेस्पेक्ट में आपको समझना है, प्लेरेरिया में रीजनरेशन होता है, हाइड्रा में बडिंग होता है, सही है, लेकिन गैम्यून फॉर्मेशन, ये एक्चुअली स्पंज का कैरेक्टर है, स्पंज है ना, ये 12th के एनसीईआरटी में दिया है, तो यही हमारे लिए आंसर बन जाएगा। पेनिसिलिन में कोनिडिया बनते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए क्या, इंक्लूड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म विदाउट एक्सेप्शन, बिल्कुल सही है। All living organisms are made up of chemicals, बिल्कुल सही है। Some non-living object exhibit metabolism. देखो, answer ने clear cut लिखा है, no non-living represent metabolic activities. किसी भी non-living में metabolic activities आपको देखने को नहीं मिलती है, NCRD की line है। Anabolism, forming reaction, catabolic degradation, बोथ आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, सही है। उपचय अपचय बोथ आर उपापचय, क्लियर। तो ये सही है आपका थर्ड आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, थर्ड सही। बायनोम नोमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस, बिल्कुल सही है। सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर इट, गलत क्या है इसमें, गलत कथन का सिलेक्शन करना। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। मैंगो का हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ओनली इंडियन बायोलॉजिस्ट, देखो एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई, इंडियन नहीं पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं वो बायनोम नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं, सिर्फ इंडियन यहाँ इस पॉइंट की वजह से गलत हो गया, वर्ल्ड लिख दो तो ये भी सही हो जाता है। ये सही है आपका थर्ड, इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो थर्ड सही। नेक्स्ट, नेम ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग रेस्पेक्टिवली, बढ़िया है, एनसीईआरटी ने लिखा है, इनकी कौन निर्धारण करते हैं। यहाँ पर ICZN, ICBN, ICBN, ICZN, क्लियर। तो ICG, IC, इंटरनेशनल कोड फॉर नेम, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स,
तो प्लांट एंड एनिमल्स में कौन आएगा? तो प्लांट रेस्पेक्टिवली पूछा है, प्लांट एनिमल्स, प्लांट के लिए बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ये, तो आपके लिए फोर्थ आंसर सही बन जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखना, ये बैक्टीरिया के लिए चला जाता है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ये, तो इसीलिए फोर्थ आंसर सही है। ऐसे द हर्बेरियम सीट इज नॉट कैरी ए लेबल, मतलब इस पर हर्बेरियम सीट पर क्या कैरी नहीं होता है, प्रोवाइडिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डेट प्लेस करेक्शन होता है, लोकल बॉटनिकल नेम होता है, इंग्लिश नेम होता है, एज वगैरह कुछ नहीं लिखी जाती कि प्लांट की एज क्या है, कितने महीने का हर्बेरियम है, ऐसा नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो आपका ये सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, बिल्कुल सही। जैसे मान के चलो आपको डाइकॉट मोनोकॉट को क्लासीफाई करना है, तो क्या करो, पैरेलल वेनेशन है ना, रेटिकुलेट वेनेशन और ये, तो ये करेक्टर हो गया। अगर आपको एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में डिफरेंशिएट करना है तो फिर आप फ्रूट एंड फ्लावर का करेक्टर लोगे। ठीक है, अब अगर किसी फैमिली को लेना है जैसे सोलेनेसी फैमिली है, तो उसमें ऑब्लिक ओबरी का होना जरूरी होता है, तो इसलिए हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी कि जीनस के लिए अलग, स्पीसीज के लिए, ऑर्डर के लिए अलग, फैमिली के अलग, ये सब के लिए अलग अलग आपको टैक्सोनॉमिक की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस मे ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन इन म्यूजियम, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल फर्स्ट अपना राइट आंसर बन जाता है। Following is only organism who is aware for the himself or self-conscious. तो self-conscious के नाम पर NCERT ने human को माना। ठीक है, human is self-conscious organism. Bryophyte and pteridophyte. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, choose a right option. अच्छा क्वेश्चन है, differ in their dominant phase. इसकी gametophyte phase होती है, इसमें sporophyte phase होती है, तो डोमिनेंट फेज पर डिफरेंस शो करते हैं। एग्जिबिट इज सिमिलर लाइफ साइकिल, तो बोथ रिप्रेजेंट हैप्लो डिप्लोइडिक। ठीक है, तो दोनों में ही ये चीज हमें देखने को मिलती है, तो सही है, क्लियर। डिफर इन देयर मियोसिस प्रोसेस, मियोसिस प्रोसेस यहाँ गलत हो गया, क्योंकि स्पोरिक मियोसिस दोनों पाई जाती है, स्पोर फॉर्मेशन में, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में स्पोरिक मियोसिस होती है, तो डिफर ये गलत हो गया इसके लिए। प्रोड्यूस मोटाइल मेल गैमेट्स, तो ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर बॉडीज बिकॉज इन देयर प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कैन डिवाइड बाय मियोसिस। देखो मियोसिस में माइटोसिस हो सकती है, हैप्लॉइड में कभी भी मियोसिस नहीं हो सकती, और इसीलिए इस पॉइंट पर ये गलत हो गया है ना। आर प्रिमिटिव एम्ब्रियोफाइट्स एंड एडवांस थैलोफाइट्स, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो कहने का मतलब है आपके लिए क्या पूछे जा रहे हैं, चूज राइट, फोर्थ इनकरेक्ट, थ्री इनकरेक्ट, वन टू थ्री, तो ये सेकंड सही जा रहा है, फाइव इनकरेक्ट नहीं, क्लियर। प्रिमिटिव एम्ब्रियोफाइट ब्रायोफाइट तो है, एडवांस थैलोफाइट नहीं, एडवांस थैलोफाइट ये नहीं होगा, क्योंकि टेरिडोफाइट थैलोफाइटा का मेंबर नहीं है, वो टेरिडोफाइट अपने आप में एक अलग से ग्रुप है, ये चीज। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज सो बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फ्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉलोइंग, कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो एक म्यूल में नहीं होता, मेल हनी भी तो करता है, वर्कर हनी भी, फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि इन दोनों में रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ रिप्रोडक्शन कंसिडर किए गए। ठीक है, एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे स्टडीड इन एनजियो एनआईसो, सॉरी ये अच्छा है, नई एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है यूटेराइना, तो यूटेराइना में एनआईसोगैमस स्टडी करते हैं। वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स, इसमें ऊगेमस है तो नहीं होगा, इसमें आइसोगेमस है, इसमें आइसोगेमस है, सेकंड सही है। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ प्लांट हैव सिमिलर सिंपल थैलोइड
ऑटोट्रॉफिक प्लांट बॉडी एंड रिप्रेजेंट जायगोटिक मियोसिस। तो जायगोटिक मियोसिस आपको कहाँ मिलेगी? ऑब्वियसली यहाँ मिलेगी या यहाँ, लेकिन यहाँ सिंपल था ऑटोट्रॉफिक टर्म यूज करके ये एलगी की ओर चला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। सिलेक्ट मिसमैच पेयर अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ थैलस ऑफ एलगी। एलगी में रेंज ऑफ थैलस दी जाती है कि एलगी यूनिसेलुलर भी हैं, आपके फिलामेंटस भी हैं, कॉलोनियल भी हैं, फिलामेंटस ब्रांच भी हैं, मैसिव फॉर्म में भी हैं। तो आपकी कॉलोनी स्पायरोगायरा, कॉलोनियल स्पायरोगायरा नहीं होता, फिलामेंटस यूलोथ्रिक सही है, मैसिव एलगी कैल्प सही है, यूनिसेलुलर कोलोला। तो ये एक्चुअली ऐसे कॉलोनियल फॉर्म में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, कोई स्पेसिफाई नहीं है, फिलामेंटस में हमने एनसीईआरटी में लिखा है। नेक्स्ट, आफ्टर स्टडी ऑफ फॉलोइंग प्लांट टीडब्ल्यू एंजेलमैन डिस्क्राइब फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑन फॉलोइंग। तो क्लेडोफोरा है ना, तो याद रखना एक्चुअली एंजेलमैन ने क्या किया था, एक इस तरीके का क्लेडोफोरा का सेल लिया। ठीक है, तो क्लेडोफोरा का सेल लेने के बाद क्या किया, ये क्लेडोफोरा, इसमें एक्चुअली यहाँ इन्होंने एक प्रिज्म का यूज किया, प्रिज्म। ठीक है, अब प्रिज्म से क्या किया, इन्होंने एक लाइट पास आउट की जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, अब ये लाइट आती है विब्रियो के फॉर्म में, मतलब यहाँ से तो मोनोक्रोमेटिक आ रही है, तो यहाँ आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 कलर का, तो विब्रियो। तो जहाँ पर ब्लू एंड रेड लाइट पहुँचते हैं, ठीक है, यहाँ रेड एंड ब्लू पहुँचते हैं, तो ये ब्लू है और ये आपके लिए रेड। ठीक है, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो बैक्टीरिया इन्होंने रख रखे थे वो इन्हीं पॉइंट पर सबसे ज़्यादा एक्युमुलेट हो रहे थे, ब्लू एंड रेड रीजन में। यहाँ पर इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को सस्पेंडेड फॉर्म में यूज किया था, मतलब इनको ये मानना था या समझना था कि जो विब्रियोर आता है एक्चुअली उसमें से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस फॉर्म में होती है, तो इसके लिए इन्होंने क्लेडोफोरा का फिलामेंट यूज किया था। क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा इज ए ग्रीन एल्गी। क्या है? ग्रीन एल्गी, जहाँ पर टी डब्ल्यू एंजेलमैन ने अपने लिए एक्शन स्पेक्ट्रम ये फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ पाइनस, विंग्स ऑफ पाइनस सीड प्रिपेयर्ड बाय। तो पाइनस का जो ओव्यूल है वो कैसा होता है, ये ओव्यूल ओव्यूलिफेरस स्केल ब्रैक्ट स्केल, ओव्यूल ओव्यूलिफेरस स्केल ब्रैक्ट स्केल, ओव्यूल ओव्यूलिफेरस स्केल ब्रैक्ट स्केल, ऐसे ओव्यूल होते हैं। तो ओव्यूल की लोकेशन कहाँ है, ये है ओव्यूलिफेरस स्केल बोलते है ना, और इसीलिए को हम मेगा स्पोरोफिल भी कह सकते। तो इसकी जो अपर लेयर होती है वही सीड के साथ में विंग्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये एक तरीके से यहाँ से इस तरीके से अटैच होकर एक फॉर्म में इससे अटैच हो जाती है, तो ये जो अपर साइड है वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए अपर लेयर ऑफ ओविलोफेरेसिस के। ठीक है, तो ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि जब विंग पोलन ग्रेन पूछे जा चुके हैं तो विंग सीड भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में वो विंग्स कहाँ से बनते हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्पोरोफाइट ऑफ मार्केशिया अरेंज्ड ऑन फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट। ये बढ़िया क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मी संभावित क्वेश्चन है। एक्चुअली इंटरनल बॉडी नो, इसके बाद में मिडरिब थैलस नो, आर्किगोनियल डिस्क यस, एंथ्रेडियल डिस्क नो। एक्चुअली हमें यहाँ से कुछ समझना हो, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये एक है आपके लिए आर्किगोनियल डिस्क, क्लियर। अब यहीं पर आर्किगोनियम की लोकेशन होती है, आर्किगोनियम आर लोकेटेड टुवर्ड्स द हेयर। तो यहाँ एक्चुअली इसका एग है, एग इसमें कन्वर्ट होता है जायगोट में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा जायगोट है ना, तो
तो आपका स्पोरोफाइट कहाँ प्रेजेंस है? तो स्पोरोफाइट के लिए कहा जाता है कि ये जो डिस्क है जिसे आप इस तरीके से आर्किगोनियम फोर पर अरेंज किए हो, यहीं पर बाद में फिर क्या होता है, एक आपके लिए स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो यहीं पर इसका स्पोरोफाइट इस तरीके से जनरेट होता है। तो ये इसका स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट कहाँ बना है, ये कौन है, आर्किगोनियल डिस्क, आर्किगोनियल डिस्क है, ठीक है। ये आर्किगोनियल डिस्क आप देख पा रहे हो, इस पर इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी, मतलब आपका आंसर बनेगा आर्किगोनियल डिस्क, ठीक है। तो ये कौन था, मार्केंशिया, कौन है ये, मार्केंशिया, क्लियर। तो ये मार्केंशिया है, इसमें आपको जो स्पोरोफाइट की पोजीशन मिल रही है वो इस पर मिल रही है। बढ़िया क्वेश्चन है, नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। स्पोरोफाइट ऑफ इक्विसिटम, इक्विसिटम इज स्पोरोफाइट मींस देयर मैन प्लांट बॉडी इज 2n, ठीक है। स्पोर्स ऑफ से ले लेना, स्पोर्स किसी के भी हो, ये n कंडीशन में होता है। अब स्यूडो लीव्स, लीफ लाइक स्फैग्नम, स्फैग्नम n होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें लीफ शब्द जरूर है, लेकिन ये स्फैग्नम है, स्फैग्नम की बॉडी कैमेलोफाइट होती है। तो आपका क्या बनेगा आंसर, फर्स्ट में 2n, n, 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 फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग प्लांट ऑन अर्थ लिमिट बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये आपके हाइड्रोफिली में लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है कि एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट आर एक्वेटिक प्लांट, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट एंड ट्रेडोफाइट लिमिट ऑन अर्थ बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ पर इनकी प्रेजेंस होगी, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये तो आपके ब्रायोफाइट ट्रेडोफाइट, इसका राइट आंसर है। जिम्नोस्पर्म ने पॉलिनेशन अपना रखी है, एंजियोस्पर्म ने पॉलिनेशन अपना रखी है, एल्गी, ओनली एल्गी का तो मतलब बनता नहीं है, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट है। रीड द गिवन स्टेटमेंट, साइकस इज एक लिंगाश्री पौधा, डायसियस प्लांट, फीमेल कौन इन साइकस मैच्योर इन, साइकस में नहीं, पाइनस में होता है। गिंगो साइकस इक्विस्टम रिजेंबल ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू मोटाइल, देखो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, गिंगो साइकस और इक्विस्टम, इनके जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, इनमें सीलिया का प्रेजेंस होता है, सीलिया, जैसे मैं साइकस के आपको बताता हूँ, साइकस के जो मेल गैमेट होते हैं पोलन ट्यूब में, वैसे ऐसे होते हैं, इन पर सीलिया की लेयर्स पाई जाती है, तो ये मोटाइल कंसिडर किए जाते हैं, गिंगो भी कंसिडर किया जाता है। कोरलॉइड रूट ऑफ पाइनस, कोरलॉइड साइकस में होती है, ठीक है। आइडेंटिफाई ए डी टू ट्रू, ट्रू कौन से हैं, तो ट्रू आपके कहाँ हैं, एक तो ट्रू ये हो गया और एक ये हो गया, तो ए सी, ए सी थर्ड मीन्स नेक्स्ट। नेक कैनाल सेल आर एब्सेंट इन आर्किगोनियम ऑफ, ये नेक कैनाल सेल एब्सेंट होती हैं आर्किगोनियम, एक्चुअली जिम्नोस्पर्म में भी पाई जाती हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एनसीसी नहीं होती, एनसीसी आपको फर्न प्लांट तक मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिडोफाइट हैविंग मेगास्पोरेंजियम, ब्रायोफाइट हैविंग सुडोलेटर्स, एब्सेंट आर्किगोनियम, तो जिम्नोस्पर्म की आर्किगोनिया में, इसके आर्किगोनिया में एनसीसी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फोर्थ, नेक्स्ट, सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर प्रोथेलस ऑफ द ट्रिडोफाइट, ट्रिडोफाइट के प्रोथेलस के लिए गलत चुनना है। स्वतंत्र युग्मकोशविद है, बिल्कुल सही है, फोटोसिंथेटिक थैलॉइड बॉडी होती है, दे प्रोड्यूस एंथीडियम एंड आर्किगोनियम, प्रोथेलस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये दोनों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस, प्रोथेलस ग्रो इन कूल सैडी प्लेसेस बिकॉज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन नहीं यहाँ होना चाहिए था, फर्टिलाइजेशन, अगर ये फर्टिलाइजेशन सब लिखा होता तो ये सही हो जाता, क्लियर। इसीलिए फोर्थ रॉन्ग हो गया, यही रॉन्ग है। नेक्स्ट, फॉलोइंग प्लांट हैव मेगास्पोरोफिल इन प्लेस ऑफ फीमेल कॉर्न, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से लिख रखा है
कि ऐसा कौन सा प्लांट है, क्योंकि वो साइकस साइकस के जो फीमेल कॉर्न नहीं होता, मेल कॉर्न तो होता है, साइकस है लार्जेस्ट मेल कॉर्न, ये साइकस में सबसे बड़ा मेल कॉर्न यहाँ प्रेजेंस होता है, ऐसे लार्जेस्ट मेल कॉर्न, ये इसके कंपाउंड लीव्स हैं, ठीक है ये। लेकिन साइकस के अंदर जो फीमेल कॉर्न की जब बात आती है तो फीमेल कॉर्न इसमें एब्सेंट बताया जाता है, तो इसमें कहा जाता है कि दे हैव मेगास्पोरोपियम, दे हैव ओव्यूल्स, यहाँ इनमें ओव्यूल की प्रेजेंस होती है ना, ऐसे तो इसे हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल, ये टर्म इसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ कॉर्न नहीं होता, ये तो है मेल कॉर्न, मेल कॉर्न ऑफ साइकस, ये लार्जेस्ट कंसिडर किया गया, लेकिन फीमेल कॉर्न यहाँ मेगास्पोरोफिल के फॉर्म में है। राइट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक प्लांट इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो ऑब्वियसली ये एल्गी का करैक्टर है, जल्दी से पानी में डिसॉल्व जो ऑक्सीजन है उसे इंक्रीज करता है, तो एल्गी में आपका ब्राउन भी आ जाएगा, ग्रीन भी आ जाएगा, सेकेंड थर्ड इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट एल्गी फाउंड इन ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन, सबसे ज्यादा गहराई कौन पाई, रेड एल्गी पाई जाएगी, वे आर रिलेटेड लिटिल लिट लाइट पेनिट्रेट हैव स्पेसिफिक गैमेट विथ फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्लेजिला, तो ये रेड एल्गी की बात कर रहे हो, रेड एल्गी में गैमेट में फ्लेजिला होते ही नहीं है, तो इसीलिए फोर्थ राइट है। हाउ मेनी गिविंग ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग किंगडम मोनेरा, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस नो, वायरल नो, प्रियोन नो, मीन्स टू, थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्लोरेला एंड स्पाइरल इंक्लूडेड रेसिपी, दे बिलोंग टू फॉलोइंग एनिमल, देखो नीट में इसी साल क्वेश्चन बना था स्पाइरलिना, कई लोग इसे गलत करके आए थे, तो स्पाइरलिना एक्चुअली क्लोरेला, अब हम प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते हैं, तो मोनेरा में दोनों है नहीं, प्रोटिस्टा में दोनों हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा ये आंसर बन सकता है, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी, ठीक है, स्पाइरलिना आप प्लांटी में कैसे ले जाओगे, तो इसलिए आपका थर्ड आंसर सही बन जाता है। नेक्स्ट फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ग्रुप प्रोड्यूस डायटामेसियस आर्क यूज इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ सेरेप्स एंड नोरेप्स, तो ये क्रैसोफाइट्स में रखे जाते हैं डायटम एंड डेस्मिट्स, तो इसमें ये रखा जाएगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इसी टाइप से इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाए। मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड मूवमेंट के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को समझना, ठीक है, स्लाइम मोल्ट कैसे करेगा डिकेइंग, डिकेइंग लीव्स के जरिए करता है, क्रायसोफाइट पैसिवली मूव करते हैं, डायनोफ्लेजेलेट थ्रू द फ्लेजिला मूवमेंट करते हैं, ए में फर्स्ट जा रहा है ये हो सकता है, सेकंड में आपका जा रहा है थर्ड, तो सेकंड में थर्ड हाँ ये रहा, और सी में जा रहा है आपका सेकंड, राइट आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू ए मोर साइंटिफिक, बढ़िया एनसीईआरटी की लाइनें हैं, अरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो प्लांट है उनको डिफ्रेंशिएट किया था, क्रिप्टोगेम फेनोगेम्स नो, आपके जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म नो, हर्ब्स ट्रीज किए तो थे, लेकिन ये मोर करेक्ट ये हर्ब्स हर्ब्स ट्रीज, तो फोर्थ सही है। नेक्स्ट द थ्री डोमेन सिस्टम, बढ़िया अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डोमेन सिस्टम जो पॉल वूज ने दिया है, इन्होंने डिवाइड फॉलोइंग किंगडम इनटू टू डोमेन, कौन से किंगडम को दो ग्रुप में बांटा था, तो मोनेरा को इन्होंने दो भाग ग्रुप में बांटा था, क्योंकि आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में काफ़ी यूनिक वेरिएशंस हैं मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बेसिस पर, इसीलिए आर्किबैक्टीरिया को आर्किया में रखा, यू बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया में, और सभी यूकेरियोटिक प्रोटिस्टा प्लांटी फंजाई एनिमे दिया इन्हें यूकेरिया में रख दिया, तो तीन डोमेन सिस्टम बनाए, ठीक है, इनको डिफ्रेंशिएट करने के पीछे इसको जो बेस बनाया गया था वो थे 16S RRNA, इसके बेसिस पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को तीन ग्रुप में डोमेन सिस्टम में बांटा था, इस पर चूंकि रिसेंटली कोई क्वेश्चन बना नहीं है तो आप इसे ध्यान से देखना,
मोनेटा को ये डिफरेंशिएटेड होना दिया है. ईच सेल ऑफ बॉल बॉक्स कॉलोनी हैज अ स्ट्रक्चर. ये बॉल बॉक्स जो है इसकी हर कॉलोनी आप हर एक मेंबर कैसा नजर आ रहा है ऐसे. अब बॉल बॉक्स की ये हर एक सेल तो देखोगे हर एक सेल आपको कहीं ना कहीं क्लेमाइडोमोनास जैसी नजर आ रही है. क्लेमाइडोमोनास फिर कहेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी से रिलेटेड तो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है नेक्स्ट. ब्रायोफाइट्स इंक्लूड फॉलोइंग किसे रखते हैं. एनसीईआरटी ने पहली लाइन में रख रखा ब्रायोफाइट इंक्लूड लिवरवर्ट्स एंड मॉस. तो जाहिर सी बात है क्या मॉस एंड लिवरवर्ट्स ये लिखा है. फर नहीं थैलोफाइट नहीं. थर्ड आंसर. नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग ए टू बी स्टेटमेंट. ब्रायोफाइट आर एम्फीबियन प्लांट बिल्कुल सही है. दे लाइव इन सॉइल बट रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन. ये पानी में टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कहा गया है लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी है. ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. फर्स्ट इज राइट. नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक प्लेस बाय. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है. एनसीईआरटी की ही लाइन है. गैमी फॉर्मेशन होता है इसमें. ठीक है सुकाय गैमी निर्माण भी होता है. ठीक है फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल ये भी एनसीईआरटी ने बात करी. ठीक है ये चीज होगी नहीं. जूस पोर बनते नहीं है. ये फ्रेगमेंटेशन प्रोटोनिमा एक्चुअली लिवरवर्ट का नहीं ये मॉस का करेक्टर बन जाता है. तो आपके ये फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट बनता है. नेक्स्ट इन टेरिडोफाइट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन आर नोन एज. टेरिडोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन को हम क्या कहेंगे. एम्फ्रिडियम आर्किगोनियम के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जनरली अपर्सेंट. तो हैप्लॉन्टिक मोस्टली एल बी जहाँ पर कि जायगॉट यूनिसेलुलर होता है वहाँ आपके स्पायरोगायरा है यूलोथ्रिक्स है क्लेमाइडोमोनास इनमें आपको फॉलोइंग प्लांट कंटेन नेडल लाइक लीव्स. नेडल लाइक लीव्स आपको बिंगो में नहीं मिलेंगी साइकस में नहीं मिलेंगी. पाइनस में नेडल लाइक लीव्स मिलती हैं. नेक्स्ट सिलेक्ट मिसप्लेस्ड पेयर. फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स में जिम्नोस्पर्म नहीं आता तो ये तो गलत हो गया. सीड आर नॉट कवर्ड इन फ्रूट. एक्चुअली ये कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म का है. यहाँ टेरिडोफाइट लिखा है. फर्स्ट नॉन वैस्कुलर यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट ब्रायोफाइट है बिल्कुल सही है. फर्स्ट एंड सेकेंड मिस बैंस हो रहे हैं. राइट आंसर विल बी फोर्थ. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखो. वैस्कुलर क्रिप्टोगैम आपको सेलेक्ट करना है. वैस्कुलर क्रिप्टोगैम का मतलब हुआ कि आपको इसमें ट्रिडोफाइट को सेलेक्ट करना है. ट्रिडोफाइट में किसे रखोगे. साल्विनिया आता है सिलेजिनिल आता है और आपका स्फैग्नम नो इक्विसिटम यस ड्रायोपोडारिस यस लिंगो नो फ्यूनेरिया नो पाइनस नो. ठीक है तो ये फोर हैं तो इसका मतलब फोर इसका राइट आंसर बन जाता है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. नेक्स्ट स्पोरोफाइट ऑफ मॉस डिफरेंशिएट इन रूट फ्रूट सीटा कैप्सूल. देयर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन. ठीक है अब एक बार वापस देख लेते हैं. ये एक्चुअली मॉस का स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है और यहाँ ये फ्रूट सीटा कैप्सूल. तो यहाँ एक्चुअली हमने आपको बताया है कि इस जगह इसमें कॉलोमेला है ऐसे और इसके ऊपर यहाँ पर स्पोर्स है. तो यहाँ स्पोर्स बनते हैं इस तरीके से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. तो ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं कैप्सूल. क्या कहते हैं. दिस इज कैप्सूल एंड दिस इज व्हाट दिस इज सीटा. हम इसे सीटा कहते हैं और ये कहलाता है इसका फुट. तो ऑब्वियसली इसमें स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं कैप्सूल रीजन में. यहाँ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ये हमें पता होना चाहिए. तो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल. नेक्स्ट सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर. लिवरवर्ट मार्किंसिया है फर्न ऑफियोग्लोसम है मॉस पॉलीट्राइकम है हॉर्सटेल साल्विनिया नहीं. हॉर्सटेल एक्चुअली इक्विसिटम को माना जाता है. इक्वी
सेचम इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स टेल प्लांट, तो इसीलिए आप इसे मिसमैच्ड मानेंगे. Fourth is right. Next, following taxonomic study include number, structure, behavior, chromosome. याद रखना NCERT में है हीमो टैक्सोनॉमी है ना, साइटो कीमो नहीं, इसमें साइटो टैक्सोनॉमी आती है, कीमो नहीं आती. तो फर्स्ट सेकेंड नहीं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नहीं, आपका फर्स्ट आंसर बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट. Following organism include as air pollination. Air pollination किसमें पाया जाएगा? Air pollination आपको E. coli, lichen, mycorrhiza. Following organism include as air pollution indicator. Sorry. तो obviously lichen है, ये SO2 के air pollution को indicate करता है. Lichen are not survive in those places where एयर पॉल्यूशन स्पेशली SO2 पॉल्यूशन इज अकर. ठीक है, आपको याद हो तो इवोल्यूशन वाले हिस्से में इस पर चर्चा की गई, डार्विन की एक्सपेरिमेंट. ठीक है, लाइकेन लिखा ही वही है. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग मेंबर ऑफ फंजाई. ठीक है, हाउ मेनी पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो समझ लो, राइजोफाइट सेप्रोफाइट है, ईस्ट सेप्रोफाइट है, ये डिसीज कॉजिंग को याद रखना. अल्टरनेडिया सोलेनाई डिसीज कॉज करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो ये पैरासाइट है, एल्बिवो याद करो, ब्राउन व्हाइट रस्ट ऑफ कृषिफल पक्षी ने, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, तो तीन है पैरासाइट, आपके सेकेंड आंसर बन जाएगा. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, प्लांट ग्रुप लैक ऑफ हर्बेसियस स्मॉल प्लांट. पौधों का समूह छोटे शाकीय पौधे अनुपस्थित होते हैं, इनसे आर्डर लिख रखा है, आपके जिम्नोस्पर्म होंगे. ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिमम डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन. तो डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है वो कहाँ मिलते हैं? ओब्वियसली इसमें तो होते ही नहीं, लेकिन आपके ग्रीन एल्गी में डिफरेंट शेप हमें मिलते हैं, जैसे स्पाइरल कहाँ मिलेगा, स्पायरो गायरा, एक होता है गर्डल, गर्डल शेप, ये मिलता है यूलोथ्रिक्स. ठीक है, एक मिलता है हमें रेटिकुलेट, रेटिकुलेट कहाँ मिलेगा, ये मिलता है उडोगोनियम, उडोगोनियम में हमें मिलता है. एक स्टार शेप मिलता है, स्टार शेप, ये मिलता है हमें जिग्नीमा, जिग्नीमा में मिलता है. और आप जानते हो कप शेप के मैडम मैंने आपसे मिलता है. तो ये सारे मेंबर ग्रीन एल्गी के. ठीक है, फॉलोइंग एल्गी इंक्लूड इन ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी में आप किसे रखोगे? एक्टोकार्पस. तो ब्राउन एल्गी में हम रखेंगे एक्टोकार्पस को. पोरफायरा स्पायरोगायरा ग्रीन है, ये इसमें नहीं आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट में चलते हैं. सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट गिविंग बिलो, इसमें से आपको गलत चुनना है, गलत कथन का चयन कीजिए. मैक्सिमम प्लांट वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ज्यादातर प्लांट वायरस में होता है, सही है. प्रियोन आर एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स, बिल्कुल सही है. वायरॉइड लैक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वायरॉइड में न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन एब्सेंट होता है, तो ये कुछ गलत हो रहा है. फैक्ट्री टू पास कंटेंट डीएसटी, तो आपको रॉन्ग पूछा है, आपका आंसर थर्ड बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट राइट स्टेटमेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या, दे रिप्रेजेंट गैमेटिक फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अडॉप्टिंग, एनसीईआरटी लिख रखा है, प्रिमिटिव टाइप की. कहा जाता है नॉर्मली बैक्टीरिया लैक ऑफ गैमेट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस प्रोसेस still they represent sexual reproduction by adaptation of primitive mechanism of DNA transfer from one bacteria to another bacteria by different process. ठीक है, like transformation, transduction and conjugation process. तो ये अब they represent zygote meiosis, no, male gametophyte complete transfer from
डोनर टू कंप्लीट कभी ट्रांसफर नहीं होता, कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो टू एन कंडीशन आ जाएगी, तो आपके लिए ये सेकंड सही आंसर बनता है। नेक्स्ट हैबिटेट्स ऑफ डायटम एंड ड्रेसिट्स इज द मैराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर ऑब्वियसली, ठीक है। सेल्युलोज आर पॉलीसेकेराइड प्रेजेंस इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, इट इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो किसमें भी नो डाउट सेल वॉल सेल्युलोज की बनी होती है प्लांट में, लेकिन किसके अंदर और प्रेजेंस हो सकते हैं, ठीक है। यूबिलिना में तो नहीं होगी, हालांकि सेल्युलोज स्लाइम मोल्ड में होते हैं, प्लाज्मोडियम में तो सेल वॉल ही नहीं, ठीक है। स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड एंड एल्गी, ये थी स्पोर्स पर सेल्युलोज की होती है लेयर, एल्गिनिन पाई जाती है, प्रोटिस्टा एंड यूबिलिनॉइड, यूबिलिनॉइड में फिर नहीं होता, आपके लिए थर्ड आंसर सही बन जाता। नेक्स्ट फ्रॉम गिव इन एग्जाम्पल हाउ मेनी हैव प्रोटोनिमा स्टेज इन देयर गैमेटोफाइट, प्रोटोनिमा स्टेज मॉस का करेक्टर है, तो आपको मॉस प्लांट ढूंढना है, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, ये तीन होंगे, तो आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट मैच्ड लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सिलेजिनेला कौन है, सीड हैबिट ऑरिजन हमें देखने को मिलेगा, स्फैग्नम मॉस है, सिलेजिनेला एक टेरोफाइट भी है, ठीक है। लिवरवर्ट कौन है, मार्केंशिया लिवरवर्ट है, ठीक है। स्फैग्नम से हमें एक और काम मिलेगा, पीट फॉर्मेशन, कोरलर रूट हमें साइकस में देखने को मिलेगी, ठीक है। डिक्टियोटा कौन है, एल्गी है, ओके। अब क्या हो रहा है, जिम्नोस्पर्म कौन है, साइकस जिम्नोस्पर्म है, तो सी में देख लो सेकेंड एंड सेवेंथ कहाँ, एक तो ये रहा, ठीक है, इसी को पकड़ के चलो। डी में डी कौन है, मार्केंशिया कहाँ है, लिवरवर्ट सिक्स्थ में जा रहा है, ये सिक्स्थ है। ई में देख लो डिक्टियोटा एक एल्गी है, फर्स्ट है, तो अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए थर्ड आंसर सही बन रहा है, दैट क्लियर। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको 100% समझ में आई होंगी। इन एडवर्स कंडीशन में हम लोगों ने, हम सब ने, आपने, हमने जो भी है, एक बार फिर से एक प्रोसेस है जिसे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमारे सीएलसी की एज यूजुअल प्रोसेस है, जहां पर कि हम बायोकैम डीटीएस के जरिए बच्चों को नए क्वेश्चन फ्रेम करके प्रोवाइड करते हैं। नो डाउट अदर जो क्वेश्चन पेपर हैं माइनर मेजर वो बेस्ट होते हैं, लेकिन ये अपने आप में यूनिक फॉर्मेशन मानी जाती है, जहाँ पर हम एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, और ये जो न्यू ट्रेंड एनसीईआरटी का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा ऐसा मानना है कि आपकी डाइवर्सिटी 100% इस पर कवर अप हो जाती है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो आप लोग उसे एक दो बार और अच्छे से समझें, एनसीईआरटी 100% कवर अप हो जाती है। तो इसी तरीके से बोलते हैं, ओके, थैंक यू।